नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू के इस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है विशाल चौहान और इतिहास की अपनी इस श्रृंखला में आज मैं एक नया सेशन जोड़ने जा रहा हूं, जिसमें आज हम समझने की कोशिश करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट को किस टाइम फ्रेम में ब्रिटिश शासन द्वारा जो भारत में कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट किया उसको आज हम समझ रहे हैं। और आज हम समझेंगे 1858 से लेकर 1947 तक जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट किए गए हैं अंग्रेजी सरकार द्वारा, उन कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स को हम समझने की कोशिश करेंगे आज के सेशन में। अगर आपने पिछला सेशन नहीं देखा है, ये इंडिया अंडर ब्रिटिश रूल, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट मैंने आपको करवाई है 1773 से 1853 तक, तो सबसे पहले आप उस सेशन को जरूर देखिएगा। इससे जस्ट पहले वाला सेशन होगा, चैनल पर जाइए, वो सेशन आपको अवेलेबल होगा, उस सेशन को पढ़िए। पहले 73 से लेकर 53 तक की सारी स्टडी कीजिए, फिर उसके बाद आज हम 58 से 47 तक, 1857 से 1947 तक कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट समझेंगे भारत में, क्या जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट हुआ भारत का, राइट। सो आज के सेशन को शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं बोलना चाहूंगा सिविल सर्विस एस्पायरेंट्स के लिए, अगर वो चाहते हैं कि एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उनके पास हो जिसपे सिविल सर्विस एग्जामिनेशन से रिलेटेड सारा मटेरियल थॉरली अवेलेबल हो, तो उनके लिए स्टडी आईक्यू लेकर आया एक लर्निंग ऐप। उस लर्निंग ऐप को वो प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं। उस लर्निंग ऐप पे सिविल सर्विस एग्जामिनेशन से जुड़े 1300 से प्लस वीडियोस अवेलेबल हैं, सीएससी के हर जितने भी सीएससी मेंस के एग्जामिनेशन होते हैं सबके रिलेशन में वीडियोस अवेलेबल है। उसके अलावा डेली के करंट अफेयर, डेली की जो है वो एनालिसिस न्यूज की, डेली के क्विज, डेली के एमसीक्यूज, डेली के आंसर राइटिंग की सॉल्विंग, दैट मींस आपको एक बहुत हद तक एक कंप्लीट पैकेज जो है वो वहां पर अवेलेबल है। सो मेक श्योर यू चेक दैट आउट, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, लिंक पे जाइए और उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके आप चेकआउट कीजिए कि कैसा है वो प्रोग्राम, राइट। नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड, आज जो हमें पढ़ना है वो क्या है, जैसे कि मैंने बोला हमें कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट पढ़ना है और हमने 1773 से 1853 का कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट क्लियर कर लिया पिछले सेशन में। अब यहां पर आप पहली स्लाइड के माध्यम से देख पा रहे हैं, सबसे पहला जो पॉइंट है, सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 को समझने की कोशिश करेंगे। तो इसका सबसे पहला पॉइंट देखिए क्या है, द 1857 रिवोल्ट हैड एक्सपोज्ड द कंपनीज लिमिटेशंस इन एडमिनिस्टरिंग अंडर अ कॉम्प्लेक्स सिचुएशन, टिल देन देयर हैड नॉट बीन मच अकाउंटेबिलिटी, द 1858 एक्ट सॉट टू रेक्टिफाई दिस अनोमली। क्या मतलब है इस बात का, जैसे कि मैंने आपको 1857 की क्रांति भी कराई है और मैंने उससे पहले आपको पिछले ही सेशन में मैंने आपको 1757 से लेकर 1853 के बीच में जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट हुए हैं अंग्रेजी सरकार द्वारा उनको मैंने समझाया, राइट। सो दैट मींस यहां पर हमने क्या समझा था कि केंद्रीयकरण हुआ था शक्ति का, सेंट्रलाइजेशन हुआ था पावर का, कब से कब तक, 1773 से 1833 तक पूरा सेंट्रलाइजेशन हो गया था, जब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया था। और हमने पिछले सेशन में समझा था कि किस तरह कंपनी की जो ट्रेड पे मोनोपोली है, वो ट्रेड की मोनोपोली जो है वो कंपनी के हाथ से छुड़वाई गई, भारत पे जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का ग्रिप था उसकी जगह भारत पे ब्रिटिश क्राउन का ग्रिप जो है वो किस तरह बना, राइट। यहां पर हमने शक्ति का स्थानांतरण भी देखा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जगह किसने जो है वो शक्ति एक्वायर करी, ब्रिटिश क्राउन ने। और 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बची कुछ ही जो भी उनकी थोड़ी सी हैसियत थी ब्रिटिश क्राउन के आगे, वो भी खत्म हो गई और ब्रिटिश क्राउन ने फाइनली दे स्टेप्ड इन और उन्होंने खुद का अपना एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो भारत पर स्थापित किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के माध्यम से, जिसमें भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन पूरी तरह खत्म हुआ और ब्रिटिश क्राउन की सोवरेनिटी जो है वो भारत पर लागू हुई। आइए इस अगले पॉइंट के माध्यम से समझते हैं कैसे। सो द एक्ट, जो एक्ट है 1858 का, इसने क्या डिक्लेयर किया, दैट क्वीन विक्टोरिया ऑफ दैट टाइम, विक्टोरिया जो है वो, विक्टोरिया वॉज द क्वीन ऑफ इंग्लैंड, सो क्वीन विक्टोरिया एज द सोवरेन ऑफ ब्रिटिश इंडिया। मैंने आपको बोला था ना ब्रिटिश लैंड्स जो है वो, जो भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा अधिकृत जो भूमि है उसको ब्रिटिश पोजेशंस कहा गया,
पिछले सेशन में मैंने आपको बताया था। सो वो ब्रिटिश पोजेशन एंड देन 1833 के चार्टर में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया, उससे पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को पॉलिटिकल यूनिटी जो है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है वो प्रोवाइड करी। दैट मींस पूरा का पूरा भारतीय उपमहाद्वीप अब एक राष्ट्र के रूप में सामने आया, जिसको ब्रिटिश इंडिया कहा गया। और ब्रिटिश इंडिया पर अब किसका शासन था कंपनी का हटकर? क्वीन विक्टोरिया का शासन। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया वॉज टेक ओवर डायरेक्टली बाय ब्रिटिश क्राउन। ब्रिटिश क्राउन ने डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेशन अपने हाथ में ले लिया। नेक्स्ट पॉइंट, द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉज गिवन एडिशनल टाइटल वाइसरॉय एंड वॉज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द क्राउन। गवर्नर जनरल, देखिए यहां पर एडमिनिस्ट्रेशन के काम करने का तरीका बदल दिया, लेकिन जो व्यक्ति अपॉइंटेड था उस समय गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड कैनिंग, उसी को ही वाइसरॉय बना दिया गया। यहां पर आप डिफरेंस समझेंगे, गवर्नर जनरल किसका है? गवर्नर जनरल है काउंसिल का, ठीक है। और काउंसिल किसकी, याद है आपको, मैंने आपको बताया था काउंसिल थी गवर्नर जनरल की, जिसके चार मेंबर थे, फिर तीन हुए थे, फिर चार हो गए थे, राइट। फिर उसमें छह मेंबर और लेजिस्लेशन के लिए ऐड किए गए, तो वो सारे पॉइंट्स आज हम समझेंगे, उनको फिर से समझेंगे, राइट। सो वही गवर्नर जनरल जो है वो उसकी पोस्ट को बदलकर वॉयसराय बना दिया गया। अब वॉयसराय जो है वो क्या है? वॉयसराय जो टर्म है, इट इज यूज फॉर समवन हु इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द क्राउन और द मोनार्क, उसके लिए वॉयसराय शब्द का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल वर अबॉलिश्ड, इंस्टेड ऑफ एन ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वॉज क्रिएटेड। नाउ मैंने आपको कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के बारे में पिछले सेशन में समझाया था, और मैंने आपको बताया था कि किस तरह पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से भारत में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके प्रशासन, उसके एडमिनिस्ट्रेशन में एक डायरकियल सिस्टम आया था, राइट। सो डायरकियल सिस्टम जो है वो पिट्स इंडिया एक्ट 1784, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, इन दोनों पे आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इन दोनों को ही खत्म कर दिया गया। दैट मींस ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन ही खत्म कर रहे हैं, तो जो प्रोप्राइटर्स है, जो स्टेक होल्डर्स है, उन सब का सिस्टम खत्म कर दिया, क्राउन ने अपने कंट्रोल में ले लिया। अब मुनाफा किसको जाएगा? पहले कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को जाया करता था, उसके अलावा प्रोप्राइटर्स को जाता था, अब डायरेक्टली ब्रिटिश क्राउन को जाएगा मुनाफा। तो 1600 से लेकर अभी तक जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स या उसके अलावा जो प्रोपराइटर्स हैं, वो जो मुनाफा कमा रहे थे, अब उनको खत्म कर दिया। और 1773 से ये काम शुरू किया था ब्रिटिश कैबिनेट ने, और ये धीरे धीरे 1858 में जाके पूरा हुआ। तो मैंने आपको बताया ना, ब्रिटिश पीपल दे आर कंसिस्टेंट सेट देयर गोल, राइट। जो गोल वो सेट करते हैं उसके लिए वो कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंसी जो है वो एक बहुत बड़ी वर्चू है, आपको अपने अंदर डेवलप करनी पड़ेगी। भारतीय शासकों में हमें ये परसिस्टेंसी, ये कंसिस्टेंसी नहीं देखने को मिली, या बहुत बड़े लेवल पर नहीं, या ज़्यादा शासकों में नहीं देखने को मिली। इस वजह से भारतीय जो राज्य हैं वो टूटते गए। और मैंने पिछले सेशन में आपको बताया था कि क्यों फ्यूडलिज्म जो है वो भारत में आ जाता है, और यूरोप में क्यों जो है वो मोनार्क्स इतने ज़्यादा स्ट्रांग बने और इतनी यूनिटी थी वहाँ पे, तो वो अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज एक फैक्टर को जो है वो मैंने आपको पिछले सेशन में समझाया था। उसके अलावा इंडियन फ्यूडलिज्म, जैसे कि मैंने बोला ही है कि अगले सेशन में आपको मैं अगले आने वाले कुछ सेशंस में इंडियन फ्यूडलिज्म समझाऊंगा, उसमें सारे फैक्टर्स को एनालाइज करेंगे, जिसमें से एक फैक्टर है अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज या अबंडेंस ऑफ रिसोर्सेज इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट, राइट। नाउ नेक्स्ट थिंग, इंडिया वॉज टू बी गवर्न्ड बाय एंड इन द नेम ऑफ क्राउन थ्रू अ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंड अ काउंसिल ऑफ 15। एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और काउंसिल ऑफ 15 ये बैठेंगे लंदन में, और ये लंदन में, पहले लंदन में कौन कौन बैठे थे? बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, है ना। बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बैठे थे पहले लंदन में, अब कौन बैठा है? अब वहां पे सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, ध्यान दीजिएगा, अब सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट जो है वो डायरेक्टली अपॉइंटेड बाय क्राउन, ठीक है। दैट मींस वो मोनार्क का खुद का जो है वो पर्सनल उसका बंदा है, जो कि भारत के सारे ऑपरेशंस को ओवरसी कर रहा है उसके, ठीक है। तो दैट मींस ये कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डायरेक्टली किसको है? या तो ब्रिटिश कैबिनेट या क्राउन को, क्राउन को कहा जाता है, राइट। और उसकी काउंसिल है 15 मेंबर्स की, जो कि लंदन में बैठ के भारत के शासन का संचालन कर रहे हैं वो। द इनिशिएटिव
एंड द इनिशिएटिव एंड द फाइनल डिसीजन वॉज टू बी विद द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंड द काउंसिल वॉज to be just advisory in nature. Thus, the dual system introduced by Pitt's India Act came to an end, right? The dual system tha, board of director, court of director or board of control ka jo dual system tha, wo khatam hua. Uski jagah kya hua? Uski jagah ek secretary of the state aaya. Secretary of the state aur uske 15 member ki council jo hai, wo London mein baithe hai, right? Aur wo oversee kar rahe hai kisko? जरूरी नहीं है कि वो लंदन में बैठ रहे हैं, वो भारत में भी आते जाते रहते हैं, राइट? क्यों? क्योंकि जो सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट है, इट वाज नॉट ओनली फॉर इंडिया, इट वाज आल्सो फॉर बर्मा एंड ईडन. बाद में बर्मा और ईडन को जो है वो अंग्रेजों ने कंट्रोल में किया, और वो एक ही सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट था तीनों कॉलोनीज के लिए. ईडन, बर्मा और इंडिया की तीनों की कॉलोनीज के लिए कौन था सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट? एक ही पोस्ट थी, राइट? सेकेंड थिंग कि उसकी जो काउंसिल है वो बैठी है लंदन में. और अब सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट के नीचे कौन है? सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट के नीचे है वॉयसराय, और वॉयसराय की काउंसिल, और फिर जो प्रोविंसेस हैं, प्रोविंसेस में कौन बैठे हैं? गवर्नर और गवर्नर्स की काउंसिल, राइट? तो ये पावर की हायरार्की है. प्रोविंसेस की गवर्नर की काउंसिल, उसके ऊपर प्रोविंशियल गवर्नर्स, फिर सेंटर में कौन है? वॉयसराय और उसकी काउंसिल, और फिर उसके ऊपर है सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट. सो नाउ द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दीज अदर प्रोविंशियल गवर्नर्स एंड द वॉयसराय. और जो सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट है वो रिस्पॉन्सिबल है किसके? क्राउन के, राइट? मीन्स क्राउन जो है वो जवाब मांगेगा किससे? सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट से. और सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट जवाब किससे मांगेगा? वॉयसराय से. वॉयसराय जवाब किससे मांगेगा? प्रोविंशियल गवर्नर से. ये चेन ऑफ कमांड थी, ठीक है? सो दैट मीन्स ये कि अगर प्रोविंशियल लेजिस्लेशन आगे आएगा ये वर्ड, अगर प्रोविंशियल काउंसिल अगर कोई फैसला निकालती है या कोई एक्ट तैयार करती है, आगे हम देखेंगे कैसे, उसको गवर्नर जो है वो रेटिफाई करेगा उस प्रोविंसेस का. अगर गवर्नर रेटिफाई कर देता है, एक्सेप्ट कर लेता है, फिर उसको कौन करेगा? वॉयसराय रेटिफाई करेगा. फिर अगर वॉयसराय भी मान लेता है, वॉयसराय भी अपनी असेंट दे देता है, फिर उसको कौन करेगा रेटिफाई? सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट. फिर सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट भी रेटिफाई कर देता है, फिर उसको क्राउन करेगा रेटिफाई, तब जाके जो है वो लागू होगा कानून भारत में. तो ये पूरी चेन ऑफ कमांड जो है वो हमें आज देखना है कैसे डेवलप हुई, राइट? और सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर का भी फंडा समझना है हमें. नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, गवर्नर जनरल बिकेम द वॉयसराय. वही पॉइंट मैंने जो है वो पहले मेंशन कर दिया. द अजम्पशन ऑफ पावर बाय द क्राउन वॉज वन ऑफ द फॉर्मेलिटी रादर देन सब्सटेंस. इट गेव अ डिसेंट बरियल टू द ऑलरेडी डेड हॉर्स द कंपनीज एडमिनिस्ट्रेशन, राइट? ये स्टेटमेंट जो है वो एक तरह से आप बोल सकते हैं सार्केस्टिक कमेंट है कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन पे. नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नवंबर 1, 1858 को घोषणा की गई. मैंने ये पिछले सेशन में बताया रिवोल्ट ऑफ 1857 वाले में कि अलाहाबाद से किस तरह वॉयसराय, उस समय के वॉयसराय लॉर्ड कैनिंग ने ये घोषणा करी थी, राइट? जिसमें चार्टर पढ़ा गया था क्वीन का, और उसमें क्या था? रॉयल प्रोक्लेमेशन में सॉट टू पे ड्यू रिगार्ड टू द एंशियंट ट्रेडिशन एंड कस्टम्स ऑफ इंडिया. इंडियन प्रिंसेस वर गिवन द राइट टू अडॉप्ट. इट मार्क टू एन एंड ऑफ पॉलिटिकल एनेक्सेशन एंड एस्टेब्लिश्ड an establishment of almost feudal-like relations between crown and the native prince. All Indians would be eligible to enter administrative services, right? और लॉर्ड कैनिंग बिकेम द फर्स्ट वॉयसराय. अब इन सारे पॉइंट्स को समझाता हूं मैं. यहां पर ये पॉइंट लिखने का मतलब क्या हुआ? इस पॉइंट में बेसिकली बात यह है कि जो अंग्रेजी सरकार है उसको एक बात समझ आ गई, या जो ब्रिटिश क्राउन है उसको एक बात समझ आ गई 1857 के रिवोल्ट से. यह बात समझ आ गई कि भारत की जो नोबिलिटी है या भारत की जो रॉयल क्लास है उसको अपने साथ जोड़ के रखना पड़ेगा. मैंने आपको बोला था ना, एक मैंने आपको साइकिल बताई थी कि पहले रॉयलिटी को उन्होंने अपने साथ जोड़ा, फिर धीरे धीरे उनकी पेंशनें बंद कर दी, राइट? उनको अडॉप्ट करने का जो है वो हक नहीं दिया. जैसे बाजीराव सेकंड ने नाना साहेब को अडॉप्ट किया था, बट नाना साहेब को रिकग्निशन नहीं प्रोवाइड करी थी पेशवाशिप की, राइट? सो 1857 के रिवॉल्ट में नाना साहेब ने जो है वो बढ़ चढ़ कर मतलब हिस्सा लिया था, और रिवोल्ट का एक तरह से आप बोल सकते हैं कि लीड किया था कानपुर वाले एरिया में रिवोल्ट को, राइट? सो दैट मींस ये एक एग्जांपल था अंग्रेजों के लिए कि जो रॉयल क्लास है उसको हमें अपने लपेटे में रखना है, क्योंकि रॉयल क्लास का है इन्फ्लुएंस, और वो उस इन्फ्लुएंस की वजह से वो लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं. मैंने आपको रिवोल्ट वाले सेशन में बताया था, अगर आपने 1857 का रिवोल्ट नहीं पढ़ाया तो जाके उस सेशन को देखिए. मैंने उसमें समझाया था कि किस तरह जो
अंग्रेजी सरकार है उसको समझ आ गया था कि अगर 5-7 साल और रिवोल्ट, 5-7 साल बाद अगर और रिवोल्ट एक बार हो गया तो हमारा जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ से चरमरा जाएगा, बिल्कुल टूट जाएगा और हमें जाना पड़ जाएगा, छोड़ना पड़ जाएगा। और मैंने आपको पिछले सेशन में समझाया है चर्चिल के माध्यम से, चर्चिल की जो स्टेटमेंट मैंने आपको बताई थी कि कैसे स्पाइन है इंडिया, ब्रिटिश जितने भी कॉलोनीज है ब्रिटिश इंपीरियल गवर्नमेंट की स्पाइन है इंडिया। क्यों? क्योंकि अगर इंडियन इंडियन जो है वो कॉलोनी अगर हट जाती है तो बाकी कॉलोनीज जो है वो सारी बिखर जाएंगी, क्योंकि इंडिया के दम पे ही बाकी कॉलोनीज एस्टेब्लिश करी हैं अंग्रेजों ने। ठीक है, सो इन ये जो सारे पॉइंट हैं, अगर आपको, अगर आप पहली बार ये सेशन देख रहे हैं या अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये पॉइंट मैं कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ या पा रही हूँ, तो आप उस सेशंस को देखिए, मेरे पिछले सेशंस को जरूर देखिए, तब आपको जाके कनेक्ट होगा। कनेक्ट करना सीखिए, राइट। आपको एक एक मैं आपको बताना चाहूंगा बिल्कुल सिंपल सी बात कि एक सेशन को देखकर आपको पूरा कॉन्सेप्ट नहीं समझ आएगा। मान लीजिए आज मैं कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट करा रहा हूं, लेकिन आपको कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट के केवल इस सेशन से आपको पूरा का पूरा फंडा नहीं समझ आएगा, आपको मेरी पूरी सीरीज देखनी पड़ेगी, करेक्ट करना पड़ेगा, राइट। दैट इज द फ्लेवर ऑफ ईच टीचर, हर एक टीचर की एक करेक्टरिस्टिक होती है पढ़ाने की, राइट। अगर आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो आप समझते होंगे कि मैंने जो बच्चे ऑलरेडी मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो समझते हैं भली भांति कि मैंने किस कॉन्सेप्ट पर जो है वो पढ़ाना शुरू किया है, राइट। तो अगर आप न्यू स्टूडेंट हैं तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप पिछले सेशंस को जरूर देखें, तभी आप कनेक्ट कर पाएंगे। खैर, जैसे कि मैं कह रहा था कि ये जो प्रोक्लेमेशन है, इस प्रोक्लेमेशन के माध्यम से जो अंग्रेजी जो क्वीन है, राइट, या जो अंग्रेजी सरकार है, बेसिकली क्वीन के नाम पे तो वो सब कुछ करते हैं, है ना, जो अंग्रेजी सरकार है उन्होंने क्या रिकॉग्नाइज किया कि हमें भारतीय रॉयल क्लास को अपने साथ जोड़ के रखना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने भारतीय रॉयल क्लास के लिए जो पहले अग्रीमेंट थी वो अग्रीमेंट्स वापस जो है वो बहाल करी। दैट मींस जो अडॉप्ट करने का हक है, राइट, इंडियन प्रिंसेस को अडॉप्ट करने का हक दिया गया, जो कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के चलते अगर किसी व्यक्ति, अगर किसी शासक की कोई संतान नहीं है तो वो अडॉप्ट नहीं कर सकता और उसके जो उसका जो टेरिटरी है उसको हड़प लिया जाएगा अंग्रेजों द्वारा। सो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ये सारी जो पॉलिसीज हैं ये बंद हो गई 1858 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से। उसके अलावा भारतीय जितने भी शासक हैं और अंग्रेजों के बीच एक फ्यूडल रिलेशन बना, राइट, बट ये फ्यूडल रिलेशन जो है वो एक सूडो फ्यूडल रिलेशन था, पहले की तरह नहीं था, लेकिन स्टिल जो है वो भारतीय शासकों को एक रिकग्निशन प्रोवाइड किया। जैसे मैंने बोला ना कि राजपूत राजाओं को तोपों की सलामी दे रहे हैं, उनको अपनी पार्टी में इनवाइट कर रहे हैं, लंदन में उनको ज़मीनें दे रहे हैं रहने को, लंदन में जो है वो पार्टीज में इन्वाइट कर रहे हैं, उनको सम्मान दे रहे हैं। तो इंडियन रॉयल क्लास है उसको लगा कि चलो हमारा तो कुछ हुआ, एटलीस्ट हमारी जीवन तो सफल है। इससे हुआ क्या, दे टर्न देयर बैक टू द पीजेंट्स, राइट, जो भारतीय पीजेंट्री क्लास है, जो भारतीय आम इंसान ने, उनकी तरफ उन्होंने अपनी पीठ घुमा ली, जिसमें 1857 में हमें कुछ जो है वो कुछ भारत के फ्यूडल शासक लड़ते हुए मिले भी थे। तो भारत की जो फ्यूडल शासक हैं या जो भारत के नेटिव राजा, उनको अंग्रेजों ने अपने साथ मिलाया 1858 के प्रोक्लेमेशन से, राइट, ये चीज हमने समझी। खैर, ये चीज मैं आपको पहले भी बता चुका हूं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इसलिए अब हम सीधा बढ़ते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 की तरफ। Now, the 1861 Act marked an advance in that the principle of representatives of non-officials in the legislative bodies, both central and provincial, became accepted. Laws were to be made after due deliberation, and as pieces of legislation, they could be changed only by same deliberative process. Lawmaking was thus no longer seen as the exclusive business of executive. अब ये बहुत भारी सी स्टेटमेंट है, इसको बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्म में समझाता हूँ, ठीक है। बेसिक फंडा ये है काउंसिल एक्ट 1861 का, या उसके बाद आने वाले काउंसिल एक्ट 1892, काउंसिल एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, राइट, इन सारे एक्ट्स की आपको क्या पकड़नी है, एक बेसिक जड़ क्या है, हर एक एक्ट की आपको एक बेसिक जड़ जो है वो पकड़नी है, बहुत जरूरी है। वो जड़ आपके कंट्रोल में आ गई, पूरा एक्ट आपके कंट्रोल में आ गया, राइट। और दूसरी तरीके से मैं इस तरह भी पुट कर सकता हूं कि हर एक एक्ट की जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है उस बेस पे जो है वो सवाल बनता है, जो थोड़े एक दिवसीय लेवल के जो पेपर होते हैं या जो छोटे लेवल के पेपर है उनमें, और जो बाकी के सारे हम पॉइंट्स बनेंगे इन पे कॉन्सेप्चुअल बेस सवाल बनता है यूपीएससी के प्री में या स्टेट पब्लिक सर्विस एग्जामिनेशंस जितने भी राज्य के हैं उनके प्री में बनता है कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन। तो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन हमें दोनों प्रिपेयर कर रहे हैं, हमें दोनों तालों की चाबी जो है वो इन्हीं सेशंस में मिलेगी। सो
जैसे कि मैंने बोला ना, हमें फैक्ट्स भी इकट्ठा करने हैं और कॉन्सेप्ट भी। और हमारी अप्रोच क्या है, हमें कॉन्सेप्ट समझना है, फैक्ट एज एन एग्जाम्पल हमारे कॉन्सेप्ट के साथ जुड़ते चले जाएंगे। कॉन्सेप्ट एक बार हमारा प्रिपेयर हो जाए, कॉन्सेप्ट क्या चल रहा है यहाँ पे, पहले 1773 से 1833 तक अंग्रेजों ने शक्ति का केंद्रीयकरण किया ब्रिटिश क्राउन की तरफ। और अब क्या है, अब बिल्कुल नई पॉलिसी, अब ब्रिटिश क्राउन खुद जो है वो भारत में एडमिनिस्टर कर रहा है, और ब्रिटिश क्राउन जो है वो धीरे धीरे कोशिश कर रहा है कि भारत में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट लाई जाए, अपना बिजनेस उन्होंने आसान करना है। अभी भी भारतीयों के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं वो, ये बहम मत रखिएगा मन में कि भारतीयों के लिए उन्होंने कुछ किया, सब का सब ब्रिटिश क्राउन ने अपने लिए किया। और वही हम समझेंगे कि 1858 से लेकर 1947 तक किस तरह जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, आज हम समझेंगे केवल कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, और फिर हम धीरे धीरे समझेंगे उसके बाद इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे हुए, उसके अलावा भारतीयों का रिएक्शन था, वो सारी चीजें, राइट। सो ये पहला पॉइंट था। इसका मतलब ये है कि इंडियन काउंसिल्स एक्ट में जो प्रोविंशियल या जो सेंट्रल काउंसिल है, यानी कि वॉयसराय की काउंसिल और प्रोविंशियल गवर्नर्स की जो काउंसिल है, उनमें नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को जोड़ा जाए। नॉन ऑफिशियल मेंबर कौन है, यानी कि जो अंग्रेजी सरकारी मुलाजम नहीं है, जो अंग्रेजी गवर्नमेंट अफसर नहीं है, ऑफिसर्स नहीं है, उनके अलावा नॉन ऑफिशियल लोग कौन होंगे, या तो वो फिर भारतीय मूल के नेटिव होंगे, या तो वो यूरोपियन हो सकता है कोई, या तो वो अंग्रेजी हो सकता है, राइट, बट वो अंग्रेजी गवर्नमेंट ऑफिशियल नहीं होगा, ठीक है। सो एक नॉन ऑफिशियल्स की भागीदारी जो भारत काउंसिल्स में शुरू हुई, ये है मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन काउंसिल एक्ट। तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में क्या हुआ कि जो नॉन ऑफिशियल्स हैं उनको ऐड करना शुरू किया गया सेंट्रल एज वेल एज प्रोविंशियल काउंसिल्स में, लेकिन किस हद तक कामयाब हो सके वो आज हमें समझना है। सेकंड पॉइंट, द एक्ट एनेबल्ड द गवर्नर जनरल टू एसोसिएट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडियन पीपल विद द वर्क ऑफ लेजिस्लेशन बाय नॉमिनेटिंग देम टू हिज एक्सपेंडेड काउंसिल। अब गवर्नर जनरल की काउंसिल में भारतीयों का नॉमिनेशन कर सकता है गवर्नर जनरल, ऐसा कब किया गया, 1861 के काउंसिल्स ऑफ इंडिया एक्ट, राइट। ये सबसे पहला क्या है, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे डायरेक्ट सवाल बनता है कि वॉयसराय जो है वो एक, या वॉयस नॉट जस्ट एक, लेकिन अपनी डिस्क्रेशन पे वॉयसराय जो है वो किसको अपॉइंट कर सकता है, किसी भारतीय को अपने एक्सपेंडेड काउंसिल में। लेकिन ध्यान रखिएगा, मैंने आपको चेन ऑफ कमांड बताई, 1858 में वॉयसराय के ऊपर कौन बैठा है, सेक्रेटरी टू द स्टेट, सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, राइट। सो दैट मींस अगर वॉयसराय किसी भारतीय को नॉमिनेट करता है तो उसको रेटिफाई कौन करेगा, सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, इफ ही सीज फिट। अगर वो उसको नॉमिनेट कर देता है तभी जो है वो काउंसिल में ऐड होगा भारतीय। मान लीजिए फिर अगर क्राउन मना कर दे तो फिर सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट का फैसला जो है वो ट्रंप हो जाएगा। तो ये चेन ऑफ कमांड को हमें समझना है, बहुत जरूरी है। नेक्स्ट चीज, फॉर लेजिस्लेशन वॉयसराय कुड अपॉइंट एटलीस्ट 6 एंड एटमोस्ट 12 मेंबर्स इन हिज काउंसिल विद अ टेन्योर ऑफ 2 ईयर्स। वॉयसराय जो है वो लेजिस्लेशन यानी कानून बनाने के लिए अपनी काउंसिल में 6 से लेकर 12 मेंबर्स को ऐड कर सकता है, ठीक है, जिसमें से गवर्नमेंट भी हो सकते हैं और नॉन ऑफिशियल मेंबर भी हो सकते हैं, जो कि किसकी डिस्क्रेशन पे है, वॉयसराय की, और उन नॉन ऑफिशियल्स में से भारतीय भी हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, द पोर्टफोलियो सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड कैनिंग इन 1859 लेड द फाउंडेशंस ऑफ कैबिनेट गवर्नमेंट इन इंडिया, ईच ब्रांच ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हैविंग इट्स ऑफिशियल हेड एंड स्पोक्समैन इन गवर्नमेंट हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स एडमिनिस्ट्रेशन। नाउ ये जो कैबिनेट गवर्नमेंट वाला सिस्टम है भारत में किसमें आया है, 1861 के काउंसिल एक्ट में भारत में लागू हुआ है, राइट। लेकिन ये काम किसका था, लॉर्ड कैनिंग का, 1859 में उन्होंने जो है वो ये पूरा प्रोग्राम बना दिया था कैबिनेट, भारत में कैबिनेट वाली व्यवस्था लाने के लिए। इससे क्या होता है कि जो डिपार्टमेंट्स हैं, मान लीजिए पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट है PPWD, या जो जल स्रोत के डिपार्टमेंट्स होते हैं राज्यों में, या बिजली विभाग है, या पब्लिक सर्विस कमीशन है, जितने भी ये डिपार्टमेंट्स हैं, राइट, इन सब डिपार्टमेंट के डिपार्टमेंटल हेड्स होते हैं, चाहे वो राज्य लेवल पर हो चाहे वो केंद्र लेवल पर हो, ठीक है। हो सकता है कुछ डिपार्टमेंट राज्य लेवल के हो, कुछ डिपार्टमेंट केंद्र लेवल के, प्रेजेंट डे के हिसाब से बोल रहा हूं। लेकिन उन डिपार्टमेंटल हेड्स को अब मंत्रालयों में रिप्रेजेंटेशन देना, यानी उन डिपार्टमेंट्स को केवल एक सरकारी डिपार्टमेंट ना बनाकर उनके लिए मिनिस्ट्रीज बनाना प्रॉपर,
राइट। और उन मिनिस्ट्रीज में उन डिपार्टमेंटल हेड्स को रिप्रेजेंटेशन देना जो है वो कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का हिस्सा बनता है। और भारत में कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो इंट्रोडक्शन हुआ इंडियन काउंसिल एक्ट से, जिसपे काम किया लॉर्ड कैनिंग ने 1859 में बनाया था, और एड किया गया इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में। सो दैट मीन्स जितने भी सरकारी अफसर हैं राइट, उनके जितने भी सरकारी डिपार्टमेंट हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव जो है वो काउंसिल में एड किए गए गवर्नर जनरल की, ठीक है, एज स्पोक्समैन। नेक्स्ट इज इट ऑल्सो प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। नई लेजिस्लेटिव काउंसिल कहां कहां एस्टेब्लिश हुई? बंगाल, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस एंड पंजाब में, ठीक है, 1862 में बंगाल में, 1866 में NWFP में, और पंजाब में 1897 में। किसके तहत? इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के तहत, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है ये। नेक्स्ट पॉइंट, इट एम्पावर्ड द वॉइसराय टू इश्यू ऑर्डिनेंसेज विदाउट अकरेंस ऑफ द लेजिस्लेटिव, विदाउट कंकरेंस ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल ड्यूरिंग एन एमरजेंसी। द लाइफ ऑफ सच ऑर्डिनेंस वॉज 6 months। जैसे कि आज भी भारत का राष्ट्रपति एक एमरजेंसी जो है वो ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट कर सकता है, लेकिन उसकी अवधि भी केवल 6 महीने तक रहती है, उसके बाद 6 महीने के भीतर भीतर उसे रेटिफाई कराना पड़ता है, किससे? पार्लियामेंट से, राइट। वही सेम यहां पर भी है। तो आप ये सोचेंगे कि भारतीयों ने कहां से उठाया आइडिया, तो आप बोल सकते हैं कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारी कंस्टिट्यूएंट असेंबली ने जो आइडियाज उठाए हैं वो अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए कॉन्स्टिट्यूशन से ही उठाए हैं। आज हम समझेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को, 1935 को, भारत के संविधान का बैकबोन क्यों कहा जाता है, राइट, या स्केलेटन क्यों कहा जाता है, आज हम समझेंगे उस चीज को, राइट। तो यहां पर आप देख रहे हैं ये पहला पॉइंट, ये जो है वो पहले इस पॉइंट से हमने समझा कि किस तरह जो है वो अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कानूनों को हमारे संविधान में जोड़ा भी गया है, राइट, हमारी संविधान सभा द्वारा, जो कि क्या है, ऑर्डिनेंस जो है वो पास कर सकता है कौन? इमरजेंसी के समय में वॉइसराय, बगैर किससे पूछे? प्रोविंसेस से पूछे, राइट। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, द एक्ट बाय वेस्टिंग लेजिस्लेटिव पावर इन गवर्नमेंट्स ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास, द मद्रास, एंड बाय मेकिंग प्रोविजन फॉर द इंस्टीट्यूशन ऑफ सिमिलर लेजिस्लेटिव काउंसिल इन अदर प्रोविंसेस लेड द फाउंडेशन ऑफ लेजिस्लेटिव डेवोल्यूशन। देखिए दो शब्द होता है, एवोल्यूशन और डेवोल्यूशन। एवोल्यूशन का मतलब होता है कोई चीज इवॉल्व हो रही है, बेहतर हो रही है, राइट, अपने आप को अपने एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग जो है वो इवॉल्व कर रही है, अपने अपने एनाटॉमी में, अपनी मॉर्फोलॉजी में जो है वो चेंज ला रही है, राइट, दैट इज व्हाट, दैट इज एवोल्यूशन। लेकिन यानी कि शक्ति में वृद्धि होना, शक्ति अगर शब्द का इस्तेमाल करूं मैं, क्योंकि यहां पर पॉलिटिकल, हम पॉलिटिकल बातें कर रहे हैं तो हम शक्ति की बात करेंगे, राइट। डेवोल्यूशन का मतलब क्या होगा कि डाउनग्रेड होना, ना, घटना। सो यहां पर क्या हो रहा है, लेजिस्लेटिव डेवोल्यूशन का मतलब क्या हुआ कि जो सेंट्रलाइजेशन हुआ पहले शक्ति का, केंद्रीयकरण हुआ 1773 से 1833 इंडियन काउंसिल एक्ट में, अब डेवोल्यूशन हुआ, विकेंद्रीयकरण हुआ। केंद्रीयकरण में क्या था कि जो लेजिस्लेटिव, जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं या जो प्रोविंशियल गवर्नर्स हैं उनके पास शक्ति कम, और वॉयसराय या उस समय गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया उसके पास शक्ति ज्यादा, दिस वॉज नोन एज सेंट्रलाइजेशन। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब ये शक्ति जो है वो वापस दे दी गई किसको, कुछ शक्तियां जो है वो वापस अब धीरे धीरे देने लगे गवर्नर्स को, प्रोविंशियल गवर्नर्स को, और नई प्रोविंशियल लेजिस्लेशन जो है वो एस्टेब्लिश हुई। दैट मीन्स डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर जो है वो किससे हुआ है, 1861 के काउंसिल एक्ट से। तो ये जो मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूं ना, हर एक इन स्टेटमेंट्स में से सवाल बनता है, ठीक है, कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर 1861 काउंसिल एक्ट, राइट, दैट मींस डेवोल्यूशन, ज्यादा ज्यादा लेजिस्लेटिव पावर जो है वो प्रोविंसेस को कब मिली, आफ्टर 1858 या 1857 के बाद, तो आप बोलेंगे 1861 के काउंसिल एक्ट में यहां से मिलनी शुरू हुई, और धीरे धीरे अब प्रोविंसेस की तरफ शक्ति बढ़ती जाएगी, राइट। सो मैंने आपको कहा था ना, वही साइकिल हम देखेंगे, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर एंड देन डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, वही हुआ यहाँ पे 1773 से 1833 सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, नाउ 1861 से डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर जो है वो शुरू हो गया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, द लेजिस्लेटिव काउंसिल एस्टेब्लिश्ड बाय द एक्ट ऑफ 1861 पोजेस्ड नो रियल पावर्स एंड हैड मैनी वीकनेसेस। अब ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल बनी है, देखिए डिसेंट्रलाइजेशन, मैंने आपको तभी कहा ना कि डिसेंट्रलाइजेशन हो रहा है लेकिन ग्रेजुअल होगा, अंग्रेज जो भी चीज करते हैं वो ग्रेजुअल करते हैं। तो 1861 के जो
ये जो काउंसिल्स एक्ट है इससे डिसेंट्रलाइजेशन दिखा तो सही, लेकिन सही मायने में वो इतना शक्तिशाली डिसेंट्रलाइजेशन नहीं था। लेजिस्लेटिव काउंसिल्स अभी भी अपने आप को कमजोर पा रही थी। उनका उनकी कमजोरी का कारण क्या था? देखिए, सबसे पहला ये कि द काउंसिल्स कुड नॉट डिस्कस इंपॉर्टेंट मैटर्स एंड नो फाइनेंशियल मैटर्स एट ऑल विद प्रीवियस अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट। दैट मीन्स जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं वो फाइनेंशियल फैसले नहीं ले सकती। मैंने आपको बताया था ना, कंपनी के राज में मद्रास पे जो है वो बंगाल भरोसा नहीं करता, बंबई पे मद्रास भरोसा नहीं करता। तो ये जो तीनों गवर्नर्स थे ये आपस में एक दूसरे पे भरोसा नहीं करते थे, राइट? तो अब तो बढ़ गए थे प्रोविंसेस, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, पंजाब भी आ गया था, सेंट्रल प्रोविंस भी बन गया था, अवध भी बनने जा रहा था, राइट? तो प्रोविंसेस की संख्या बढ़ रही थी अब धीरे धीरे, राइट? जो अंग्रेजों द्वारा एडमिनिस्टर्ड, डायरेक्टली एडमिनिस्टर्ड जो प्रोविंसेस थे जहां पर अंग्रेजों के गवर्नर्स बैठे थे, उनकी संख्या बढ़ रही थी। सो दैट मींस वहां से निकलने वाला जो रेवेन्यू है वो अगर सेंटर के पास नहीं पहुंचा तो सेंटर कमजोर हो जाएगा। इसलिए प्रोविंसेस को कमजोर रखा जाने का कारण क्या है, समझ रहे हैं? यहां पर आपको कनेक्ट करना है इकॉनमी से किसको, पॉलिटिकल स्ट्रेंथ को, कि अगर इकॉनमी जिसकी इंक्रीज होगी उसकी पॉलिटिकल स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी। इसलिए जो सेंट्रल लेजिस्लेशन है या जो सेंटर में शक्ति है कौन, वायसराय और सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, वो नहीं चाहता कि जो प्रोविंशियल गवर्नर्स हैं उनकी इकॉनमी बढ़े, इसलिए उनके जो फाइनेंशियल मैटर्स हैं उस पर वो कुछ भी फैसला नहीं कर सकते, ठीक है? सेकंड पॉइंट, दे हैड नो कंट्रोल ओवर बजट, वही फाइनेंशियल मैटर है बजट भी, ठीक है? उसके अलावा दे कुड नॉट डिस्कस एग्जीक्यूटिव एक्शन। एग्जीक्यूटिव एक्शन का मतलब क्या होता है, या जनरली बहुत सारे आप बच्चों में ये डाउट भी होगा कि एक एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या होता है। एक एग्जीक्यूटिव एक ऐसा औधा होता है जो कि किसी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करवाता है। पॉलिसी बनाना किसका काम है, लेजिस्लेशन का, ठीक है? ध्यान रखिएगा, पॉलिसी बनाना किसका काम है, लेजिस्लेशन का, और पॉलिसी को अप्लाई करवाना किसका काम है, एग्जीक्यूटिव का। भारत की प्रशासनिक व्यवस्था में पॉलिसी बनाता कौन है, पार्लियामेंट, और पॉलिसी अप्लाई कौन करवा रहा है, प्रेसिडेंट के अंदर, प्रेसिडेंट के अंडर जो एग्जीक्यूशनरी है पूरी की पूरी, राइट? जितने भी ऑल इंडिया सर्विसेज हैं या उसके अलावा जितने भी सिविल सर्विसेज हैं वो एग्जीक्यूटिव की तरह काम करते हैं प्रेसिडेंट के अंदर रहकर, राइट? इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट जो है वो एग्जीक्यूटिव काम करता है इंडिया में। सो एग्जीक्यूटिव एक्शंस को भी वो डिस्कस नहीं कर सकते थे। दैट मींस वो पॉलिसी भी नहीं बना पा रहे और वो एग्जीक्यूट भी नहीं कर पा रहे। तो जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं उनके ऊपर जो है वो शक्ति बहुत कम दी गई अभी उन्हें। नेक्स्ट चीज, फाइनल पासिंग ऑफ बिल नीडेड वायसरॉयज अप्रूवल। ऑब्वियसली मैंने आपको हायरार्की बताई कि धीरे धीरे गवर्नर, अगर मान लीजिए गवर्नर की काउंसिल कोई पॉलिसी बनाती है उसको रेटिफाई करता है वहां का गवर्नर, अब वॉयसराय से रेटिफाई करवाना जरूरी है, फिर वॉयसराय को भी तो सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट से रेटिफाई करना जरूरी है, राइट? वो भी तो उसके फैसले को ट्रंप कर सकता है कभी भी। नेक्स्ट इज, इवन इफ अप्रूव्ड बाय वॉयसराय द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कुड डिसअलाउ अ लेजिस्लेशन इंडियंस एसोसिएटेड एज नॉन ऑफिशियल वर मेंबर्स ऑफ एलीट सेक्शंस ओनली, ठीक है? सो ये दो पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट क्या है कि जैसे वो चीज मैंने आपको समझाई थी कि वॉयसराय के बाद कौन, वॉयसराय के बाद सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट भी तो डिसअलाउ कर सकता है। और दूसरी चीज, जो इंडियन मेंबर जुड़े नॉन ऑफिशियल्स वो सब भारतीय अलीट थे, वो भारतीय कॉमन या भारतीय जो नेता हैं जो भारत की भलाई कर रहे हैं वो नहीं। मैंने आपको क्या बोला, 1858 के रानी का जो प्रोक्लेमेशन है उसमें वो रॉयल क्लास को जोड़ना चाहती हैं अपने साथ। दैट मीन्स जो वॉयसराय की काउंसिल है उसमें किसको जोड़ देंगे, वो रॉयल क्लास के बंदों को। अब अगर वो कोई फैसला लेते हैं तो वॉयसराय के पास तो चॉइस है ना, वो कभी भी मना कर दे। दैट मींस भारतीयों को रिप्रेजेंटेशन भी थी और उनके रिप्रेजेंटेशन का कोई मतलब भी नहीं है, ठीक है? और ये जो रिप्रेजेंटेशन दी भारतीयों को, इससे वो फूट भी डाल रहे हैं। किसमें? रॉयल क्लास को रिप्रेजेंटेशन दे दी तो जो इंटेलेक्चुअल्स हैं वो भड़क गए रॉयल से कि तुम जो है वो अंग्रेजों के चरणों में फिर गिर गए। अभी तुम लड़ रहे थे, अभी तुम अंग्रेजों के चरणों में गिर गए हो, राइट? प्लस किसको रिप्रेजेंटेशन जो है वो मिली या किनको जो है वो नॉमिनेट किया गया वॉयसराय द्वारा, जो कि लॉयल रहे थे 1857 के रिवॉल्ट में। जैसे पंजाब लॉयल रहा था तो पटियाला के राजा को जो है वो काउंसिल में ऐड किया गया था, नॉमिनेट किया गया था। सो वही पॉइंट देख लेते हैं। लॉर्ड कैनिंग द देन वॉयसराय नॉमिनेटेड 3 इंडियंस टू हिज लेजिस्लेटिव काउंसिल, द राजा ऑफ बनारस, द महाराजा ऑफ पटियाला एंड सर धिनकर राव। इन तीन लोगों को जो है वो ऐड किया गया था काउंसिल में, बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों जो है वो नोबिलिटी से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ
1892, लेकिन एक बार समअप करते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में क्या था। तो मैंने आपको बोला शक्ति का विकेंद्रीयकरण शुरू हुआ, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल या प्रोविंशियल उनको शक्ति दी जानी शुरू की गई, लेकिन पूरे बड़े हद तक नहीं। लेकिन जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या रखना है हमें कि भारतीयों को किसमें ऐड किया गया, गवर्नर जनरल की काउंसिल में भारतीयों को ऐड किया गया। और किसको हक दिया गया उनको नॉमिनेट करने का, वायसरॉय को ही हक दिया गया नॉमिनेट करने का। ठीक है, तो ये दो हाईलाइट्स हैं किसके, 1861 के इंडियन काउंसिल एक्ट के। नेक्स्ट देखिएगा, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 पहला पॉइंट है, इन 1885 द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज फाउंडेड, द कांग्रेस सॉ रिफॉर्म ऑफ द काउंसिल्स एज द रूट ऑफ ऑल अदर रिफॉर्म्स। बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट ये, रूट ऑफ ऑल अदर रिफॉर्म्स। इट वॉज इन द रिस्पॉन्स ऑफ कांग्रेस डिमांड दैट द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बी एक्सपेंडेड, दैट द नंबर ऑफ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स आर इंक्रीज बोथ इन सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स By the Indian Councils Act 1892, जिसको Lord Crown Act भी कहा गया, but maintained the official majority in them. Now, भारत में मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि अंग्रेजों की पॉलिसीज का भारतीयों ने किस तरह जवाब दिया। 100 साल का 1757 से 1857 तक 100 साल का अंग्रेजों का जो दमन चक्र है, 1857 की रिवॉल्ट जो है वो भारतीयों का विरोध था। अब ऐसा नहीं है कि केवल 1857 में रिवॉल्ट हुआ, क्योंकि आगे आने वाले सेशंस में आपको ट्राइबल अपराइजिंग करवाऊंगा, पीजेंट मूवमेंट्स करवाऊंगा, राइट, उसमें आपको समझाऊंगा कि जो शुरुआत में अंग्रेजों ने जो इकोनॉमिक पॉलिसीज का यूज किया उसकी वजह से जो लोकल लोग हैं वो कैसे परेशान थे, राइट। मैं उसके अलावा आपको इकोनॉमिक पॉलिसीज भी बताऊंगा, जो रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन है, लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, उसके अलावा सिविल सर्विसेज जो गठित की गई, उसके अलावा जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट लाया गया भारत में, इन सारी चीजों को भी समझाऊंगा। सो मैंने आपको बोला ना, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ने का तरीका क्या है हमारा, माइलस्टोन टू माइलस्टोन मूव करते जाएंगे, इन्हीं सेशन को फॉलो करते जाइए, पूरी कहानी आपकी जुड़ जाएगी। माइलस्टोन टू माइलस्टोन मूव करना है हमने। मैंने आपको बताया 1707 से लेकर 1757 के बीच की जितनी भी घटनाएं, प्रशासनिक, उसके अलावा रिलीजियस, उसके अलावा कमर्शियल, इकोनॉमिक, सोसाइटी, कल्चरल, वो सारी चीजें माइलस्टोन टू माइलस्टोन चलेंगे हम। उसी के बाद 1757 से 1858 तक प्रशासनिक क्या घटनाएं घटी मैंने आपको समझा दिया। अब एडमिनिस्ट्रेटिव इकोनॉमिक जो है वो आगे आने वाले सेशंस में आएंगी, ठीक है। 1857 से 1909 तक की, ठीक है, 1858 से लेकर 1909 तक की प्रशासनिक जो राजनीतिक है, उसके अलावा इकोनॉमिक घटनाएं, वो आगे आने वाले सेशन में। आज हम केवल प्रशासनिक समझ रहे हैं, ठीक है। तो इसके बाद ये माइलस्टोन समझ रहे हैं आप, 1909 से 1917, 1917 से 1935, 1935 से 1947 तक। सो दीज आर द माइलस्टोन ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री। इन माइलस्टोन्स को लेकर चलेंगे हम और इनके बीच की घटनाओं को रिलेट करेंगे आपस में, राइट। सो नेक्स्ट पॉइंट देखिए, जैसा कि मैंने बोला इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में एस्टेब्लिश हुई, ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस का एस्टेब्लिश होना एक बहुत बड़ी घटना थी इंडिया, ये हम समझेंगे। मैंने बोला ना कि भारतीयों का क्या रिस्पॉन्स है, उस वाले टॉपिक में समझाऊंगा इंडियन नेशनल कांग्रेस का बनना। पहले छोटी छोटी पार्टियां बनेंगी पूरे भारत में और फिर उनको जोड़कर इंडियन नेशनल कांग्रेस बना दी जाएगी एक बड़ी पार्टी। सेफ्टी वॉल्व की थ्योरी क्या है वो भी समझाऊंगा मैं आपको अच्छे से, ठीक है। अलग अलग दृष्टिकोणों से समझाना भी शुरू करूंगा मैं आपको। नाउ कांग्रेस के बन जाने के बाद कांग्रेस ने अंग्रेजी सरकार पर दबाव डालना शुरू किया कि भारत की जो आपने इंडियन काउंसिल एक्ट लाए हैं आप 1861 में, उसमें भारतीयों की संख्या बहुत कम है, जो प्रोविंशियल काउंसिल्स हैं उनमें उसकी संख्या जो है वो बढ़ाई जाए मेंबर्स की और उसमें भारतीयों को ऐड किया जाए, जिसके तहत इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 आया, ठीक है। तो यहां पर आप बोल सकते हैं कि देखिए कांग्रेस ने किस तरह डॉक्यूमेंट किया है कि उनके द्वारा डाले गए प्रेशर की वजह से काउंसिल एक्ट 1892 आया है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि कांग्रेस जो है वो प्रेशर नहीं डाल रही थी अंग्रेजी सरकार पे, कांग्रेस ने अंग्रेजी सरकार पे बहुत प्रेशर डाला था, लेकिन काउंसिल एक्ट 1892 को आप वही मीठी गोली कह सकते हो जो अंग्रेजी सरकार समय समय पर भारतीय जनता को खिलाती आई है, ठीक है। तो कांग्रेस ने भले ही प्रेशर डाला था लेकिन अंग्रेजी सरकार ने फिर से एक मीठी गोली खिलाई थी। आज हम समझते हैं उस मीठी गोली का फ्लेवर क्या था। देखिएगा, पहला पॉइंट है द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल और द इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसको कहा गया बाद में, इसको बढ़ाया गया एज पर द डिमांड। कांग्रेस की जो डिमांड थी उसकी संख्या जो है वो इंक्रीज कर दी गई, 10 से 16 कर दी गई, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, इट प्रोवाइडेड द नॉमिनेशन ऑफ सम नॉन ऑफिशियल मेंबर्स ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटिव
ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल बाय द वॉयसराय ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स एंड बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स. दैट मीन्स ये कि पहले भी तो नॉमिनेशन हो रहा था, राइट. जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है जिसकी संख्या 10 से 16 कर दी गई. मैंने आपको बताया ना, पहले चार थी, फिर तीन हुई, फिर चार हुई, फिर छह जुड़े तो 10 हो गई, और अब 10 से बढ़ाकर कर दी 16. तो ये पूरा आपका पैटर्न याद रखना है, ठीक है. नाउ ये जो 16 है, इन 16 में जो नॉमिनेशन है वो केवल वायसराय ना करे, ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल से भी पूछा जाए और बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स से भी पूछा जाए. अब बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स और लेजिस्लेटिव प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों में ही भारतीय मौजूद है. दैट मींस कांग्रेस ने बहुत डिमांड डाली, लेकिन अंग्रेजों ने यह दिया, ठीक है. कांग्रेस ने क्या बोला कि, या जो जनता की डिमांड थी, वैसे कांग्रेस ही खेल रही थी पॉलिटिकल गेम इस समय, आगे समझाऊंगा कैसे, लेकिन कांग्रेस की डिमांड समझते हैं अभी. उनकी डिमांड ये थी कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसमें भारतीय ज्यादा से ज्यादा ऐड हो, और जो प्रोविंशियल लेजिस्लेशन है उससे नॉमिनेशन हो. पहले तो आपको प्रोविंशियल लेजिस्लेशन में बंदे बढ़ाने चाहिए, राइट, उसमें भारतीय बढ़ जाएंगे, और फिर वहां से जो है वो सेंट्रल लेजिस्लेशन में बंदे आए. समझ रहे हैं आप हायरार्की? प्रोविंशियल लेजिस्लेशन में बंदे बढ़े और फिर सेंट्रल लेजिस्लेशन में बढ़े. इसका जवाब अंग्रेजों ने कैसे दिया कि सेंट्रल लेजिस्लेशन के सेंट्रल लेजिस्लेशन या जो काउंसिल है वॉयसराय की, उसकी संख्या 10 से बढ़ाकर 16 तो करी, लेकिन वो 6 के 6 बंदे या तो वॉयसराय नॉमिनेट करेगा, या तो प्रोविंशियल लेजिस्लेशन नॉमिनेट करेगा, या तो कौन करेगा, द चैम्बर ऑफ बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स. So, यहां पर फिर से जो है वो फूट डाल दी लोगों में. अब बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स में सारे के सारे व्यापारी, भारतीय भी और यूरोपीय भी, अंग्रेज भी, राइट. लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी कौन, जो भारतीय इन्फ्लुएंस वाले लोग हैं, जो अंग्रेजों के लॉयलिस्ट हैं, वो भी हैं, और कांग्रेस के, जो कांग्रेस की तरफ से जो लड़ रहे हैं, या जो भारतीय नेशनलिस्ट जो हैं, वो भी हैं, ठीक है. तो यहां पर गुटबंदी हो गई फिर से. कांग्रेस चाहता है कि हमारा जो है वो बंदा सेंट्रल लेजिस्लेशन में जाए, जो भारतीय व्यापारी चाहते हैं हमारा जाए. तो यहां पर भारतीय व्यापारी वर्ग को कांग्रेस के साथ ना जुड़ने दिया जाए, यानी कांग्रेस का इकोनॉमिक जो है वो बैकअप ना क्रिएट होने दिया जाए, उसकी भी एक ये कोशिश थी. लेकिन कांग्रेस की सारी बातें ना मानकर किस किस को सेंट्रल लेजिस्लेशन में नॉमिनेशन देने का हक दिया गया, वॉयसराय, प्रोविंशियल लेजिस्लेशन और चैम्बर ऑफ कॉमर्स, बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स. याद रखेंगे तीन चीजें. नेक्स्ट चीज, अब जैसा नॉन ऑफिशियल मेंबर का नॉमिनेशन सेंट्रल लेजिस्लेशन के लिए है, वैसा प्रोविंशियल के लिए भी तो है. सो नॉमिनेशन ऑफ सम नॉन ऑफिशियल मेंबर्स ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल बाय द गवर्नर ऑफ द बाय द गवर्नर्स ऑन रिकमेंडेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, म्युनिसिपैलिटीज, यूनिवर्सिटीज, ट्रेड एसोसिएशन, जमींदार एंड चैम्बर्स. सो दैट मीन्स जो प्रोविंशियल है, राइट, जो राज्य के स्तर पर जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसमें मेंबर कौन डालेगा, गवर्नर ही डालेगा राज्य का. लेकिन नॉमिनेशंस कहाँ कहाँ से आएंगी, इन सब जगहों से, ठीक है, जो राज्य के डिस्ट्रिक्ट बोर्ड हैं, जो म्युनिसिपैलिटीज बनी हैं, जो यूनिवर्सिटीज हैं, जो ट्रेड एसोसिएशन हैं, जो जमींदार हैं, जो चैम्बर्स हैं, वहां से वो नॉमिनेशन आएंगी, ठीक है. नेक्स्ट चीज, Though the term election was firmly avoided, there was no term election used in Indian Councils Act 1892. याद रखेंगे ये सवाल बना है कि क्या election word का use किया गया था, तो election शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया था. क्यों? क्योंकि ये जो members हैं, ये क्या elect होंगे या nominate होंगे, ये elect नहीं होंगे, ठीक है. अब देखिएगा, direct election में popular बंदा पहुंचता है, राइट. अगर डायरेक्ट इलेक्शन करवा लिए जाते हैं अंग्रेजों द्वारा, तो जो भारतीय जनता जो चाहती थी जिसको, उसको बिठा देती. अंग्रेजों को ऐसा नहीं चाहिए था ना, अंग्रेजों को क्या चाहिए था, अपना चमचा बैठे कोई उनका, ठीक है, उनका कोई खुद का लॉयलिस्ट बैठे अंग्रेजों का. तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने दो लेयर वाला सिस्टम बना दिया. उन्होंने कहा कि तुमको इलेक्शन ही करने हैं ना, तुम पहले एक इलेक्टोरल कॉलेज बनाओ. That means, जितने भी लोग हैं प्रोविंशियल लेवल के, जो प्रोविंशियल लेवल के लोग जुड़ना चाहते हैं प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में, प्रोविंशियल लेजिस्लेशन में, वो लोग आपस में इलेक्शन करेंगे, ठीक है. उनमें से जो इकट्ठा होंगे लोग, जो इलेक्टेड होंगे, उन इलेक्टेड लोगों में से नॉमिनेशंस आगे भेजे जाएंगे, राइट. अब वो देख रहे हैं, डायरेक्ट इलेक्शन और फिर इनडायरेक्ट इलेक्शन. इनडायरेक्ट इलेक्शन का मतलब क्या होता है, जो नॉमिनेटेड होते हैं, राइट. सो इनडायरेक्टली इलेक्टेड लोग भी कभी ना कभी तो डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, ठीक है. तो यहां पर डायरेक्ट
या इलेक्शन वर्ड का यूज जो है वो इंडियन काउंसिल एक्ट में नहीं किया गया, इलेक्शन की जगह यहां पर नॉमिनेशन जो है वो, नॉमिनेशन का खेल जो है वो खेला गया। कैसे देखिएगा, दो द टर्म इलेक्शन वॉज फर्मली अवॉइडेड इन द एक्ट, एन एलिमेंट ऑफ इनडायरेक्ट इलेक्शन वॉज एक्सेप्टेड इन द सिलेक्शन ऑफ सम ऑफ द नॉन ऑफिशियल मेंबर्स। सम ऑफ, नॉट ऑल ऑफ, सभी नहीं, उनमें से कुछ जो है वो कॉलेज, एक इलेक्ट्रल कॉलेज इकट्ठा होगा, राइट। मान लीजिए इलेक्ट्रल कॉलेज क्या होता है, मैं आपको समझाता हूं। मान लीजिए कि 100 पोस्ट हैं, उसमें आपको इनडायरेक्ट इलेक्ट करना है और इलेक्टोरल कॉलेज के माध्यम से इलेक्ट करना है, तो कैसे करते हैं? 100 जो है वो पोस्ट हैं और उसके लिए 1000 जो है वो, या मान लीजिए 10,000 लोगों ने, 10,000 लोग जो है वो खड़े होना चाहते हैं उसके लिए, राइट। 10,000 लोग चाहते हैं वो 100 पोस्ट आए, तो उन 10,000 लोगों के बीच इलेक्शन करवाया जाएगा। उन 10,000 लोगों को चुनने के लिए 100,000 लोगों ने वोटिंग डाली कि इन 10,000 में से मेरा ये बंदा, मेरा वो बंदा चूज करो, ठीक है। तो वोटिंग का आधार यह रखा गया कि उन 10,000 में से पहले 1,000 लोगों को देखा जाएगा, पहले फर्स्ट लेवल ऑफ वोटिंग में 1,000 लोग जो है वो इकट्ठा किए जाएंगे, ठीक है। तो 100,000 लोग थे बेसिस में, उन्होंने वोट डाला अपने 10,000 प्रतिनिधियों के लिए, उसमें से 1,000 लोग जो है वो जीते। ये आ गया आपका इलेक्टोरल कॉलेज, 10,000 में से केवल कितने जीते, 1,000 जीते। अब इन 1,000 में से जो ऊपर बैठा है, सबसे ऊपर शक्ति में, अगर प्रोविंसेस में बैठा है तो गवर्नर, सेंटर में बैठा है तो वॉइसराय, वो इन 1,000 में से चुन चुन के 100 बंदे उठाएगा। इसको कहा गया, इसको कहते हैं इनडायरेक्ट इलेक्शन, ठीक है। तो इनडायरेक्ट इलेक्शन उन्होंने किया, डायरेक्ट इलेक्शन नहीं किया। इससे हुआ क्या, उन 10,000 में से 1,000 बंदे जो आए, जो कि इलेक्टोरल कॉलेज जो बना, उनमें से 100 तो बंदे ऐसे होंगे ही ना जो कि लॉयलिस्ट होंगे अंग्रेजों के, तो उन 1,000 में से 100 बंदे वो चुन लिए उन्होंने जो लॉयलिस्ट हैं। तो ये मैं सारा एग्जांपल के लिए बता रहा हूं संख्या, ये जो प्रोविंशियल संख्याएं हैं वो प्रोविंसेस टू प्रोविंसेस डिफर किया उन्होंने, और वो बहुत कम थी, 100 तो नहीं थे, 100 से तो बहुत कम थे प्रोविंशियल लेजिस्लेशन में मेंबर्स, राइट। सो इस तरह जो है वो इलेक्शन नहीं, ना होकर एक इलेक्टोरल कॉलेज के माध्यम से मेंबर्स को नॉमिनेट किया जाता था, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को, और सभी को नहीं, सभी को नहीं, कुछ को, राइट। नेक्स्ट देखिएगा, द मेंबर ऑफ द लेजिस्लेचर वर नाउ एंटाइटल्ड टू एक्सप्रेस देयर व्यूज अपॉन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स व्हिच वर हेंसफोर्थ टू बी मेड ऑन द फ्लोर ऑफ द लेजिस्लेचर्स। नाउ ये जो प्रोविंशियल लेजिस्लेशन में जो मेंबर्स हैं, ये फाइनेंशियल मामलों में अपनी जो है वो राय दे सकते हैं, लेकिन केवल राय दे सकते हैं, और एक बार दे दी तो उसको फॉलो नहीं कर सकते यार। यानी कि मान लीजिए एक कोई उन्होंने स्टेटमेंट दे दी, उसके लिए कोई सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट नहीं दे सकते, जो दे दी वो दे दी, उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे वो। अब उसको ऊपर बैठे गवर्नर जो हैं वो एक्सेप्ट करें ना करें, वो उनका डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। तो यहां पर इट वॉज सूडो पावर, ठीक है, कोई स्ट्रेंथ नहीं थी उस नॉमिनेशन की, ठीक है। नेक्स्ट चीज, They could also put questions within certain limits to executive on matter of public interest after giving 6 days notice. 6 दिन का नोटिस देकर वो सवाल जो है वो पूछ सकते हैं, लेकिन उसका भी कुछ खासा असर नहीं था। So this was Indian Councils Act 1892, and the highlight of Indian Councils Act 1892 is that nomination in the central as well as provincial legislation. राइट, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 का हाईलाइट हमने देखा, और अब 1892 का हाईलाइट क्या है, नॉमिनेशन इन द सेंट्रल एज वेल एज प्रोविंशियल लेजिस्लेशन। एंड इन सेंट्रल द नॉमिनेशन वॉज डन बाय द वॉइसराय और द प्रोविंशियल लेजिस्लेशन और द बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, एंड इन केस ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेशन द नॉमिनेशन वॉज डन बाय द नॉमिनेशन केम थ्रू The district boards, municipalities, universities, trade associations, zamindar and chambers, right? And the final verdict was of that governor. वो governor choose करेगा कि उन nominations में से किसको जो है वो council का member बनाना है. So it was not a direct election. It was more like an indirect election or a nomination. And the word election was not included in Indian Councils Act 1892. That is you have to remember, right? ये चीज आपको भूलनी नहीं है। इस पे सवाल बनता है कि इलेक्शन वर्ड यूज किया था या नहीं किया था। नेक्स्ट चीज देखिएगा, नेक्स्ट इज इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। वेरी फर्स्ट पॉइंट, द पॉपुलरली नोन एज मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। क्यों जाना जाता है मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के नाम से, क्योंकि मॉर्ले और मिंटो दो व्यक्तियों के नाम है। पहली बात तो मैंने आपको बोला था 1858 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से देयर वाज अ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर
इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन एंड दैट सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट जो है वो किसके अंदर काम कर रहा था, क्राउन के, ठीक है। वो सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट था मॉर्ले एंड मिंटो वॉज द वॉइसराय ऑफ दैट टाइम। सो मॉर्ले एंड मिंटो इन दोनों ने मिलकर जो रिफॉर्म्स क्रिएट किए, उस रिफॉर्म्स के बेसिस पे जो एक्ट लाया गया उसको कहा जाता है इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909। सो इट इज popularly known as Morley-Minto reforms, right? Now you know, the act made the first attempt to bring in a representative and popular element in the governance of the country. Now this line is really very important because ये exact line जो है वो commission ने पूछी है, representative and popular element, not just commission लेकिन राज्य स्तरीय examinations में भी ये line पूछी गई है, क्या representative है किसका, पॉपुलर एलिमेंट का। पॉपुलर एलिमेंट क्या होता है, यहां पर आपको पॉपुलर का शब्द, पॉपुलर शब्द का मतलब समझना है कि कोई कोई व्यक्ति पॉपुलर था इसीलिए उसको इलेक्ट किया गया, राइट। कहने का मतलब ये पॉपुलर वो ही है ना, इलेक्शन के माध्यम से पॉपुलर कौन है, जिसको ज्यादा वोट डले, राइट, वही उसी व्यक्ति को पॉपुलर माना जाएगा, ठीक है। सो पॉपुलर माध्यम से रिप्रेजेंटेटिव जो है वो चूज किया गया, दैट मींस वोटिंग के माध्यम से रिप्रेजेंटेटिव आया है। सो पहली बार भारतीय रिप्रेजेंटेटिव जो है वो वोटिंग के माध्यम से कब आए, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में। बट इसमें कुछ कैच हैं, वो आगे हम कैच समझते हैं। सेकंड पॉइंट देखिएगा, द स्ट्रेंथ ऑफ द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल वॉज इंक्रीज्ड, द नंबर ऑफ मेंबर्स इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल वॉज रेज फ्रॉम 16 to 60, जैसे कि मैंने बोला था ना, 10 से बढ़ाकर 16 किया गया, किसमें, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 में, और अब 16 से बढ़ाकर 60 कर दिया गया, किसमें, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में। तो यहां पर देख रहे हैं आप, यहां पर अंग्रेज जो है वो डिवाइड एंड रूल की गेम खेल रहे हैं, बहुत खतरनाक। पहले उन्होंने भारतीय राजाओं और भारतीय इंटेलेक्चुअल में जो है वो डिविजन क्रिएट किया, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 में उन्होंने भारतीय इंटेलेक्चुअल्स और भारतीय व्यापारियों में एक शिज्म क्रिएट किया। नाउ इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 के माध्यम से उन्होंने भारत में हिंदुओं और मुस्लिम्स में जो है वो एक शिज्म क्रिएट किया। तो ये फूट डालो और शासन करो, ये नीति जो है वो हमें इन तीनों के तीनों जो है वो काउंसिल एक्ट में इसका एलिमेंट भी देखने को मिलता है। और देखिए मैंने क्या बोला कि जो अल्टीमेट अथॉरिटी है वो तो वॉइसराय के पास ही है, इनफैक्ट छोड़िए वॉइसराय नहीं, वो तो सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट के पास है अल्टीमेट अथॉरिटी, राइट। दैट मींस आप लेजिस्लेशन में कितने मर्जी बंदे जोड़ दीजिए, उसमें कितने मर्जी भारतीयों को जोड़ दीजिए, अंतिम फैसला किसका है, वॉइसराय का है ना, तो कुछ नहीं कर सकते आप। तो जो मेंबर्स बढ़ा रहे हैं वो केवल भारतीयों में फूट डालने के लिए बढ़ा रहे हैं। अब ये 16 से 60 मेंबर कर दिए, इन 60 मेंबर्स में मुस्लिम्स को सेपरेट रिप्रेजेंटेशन दे दी, और भारतीय और मुस्लिम्स जो हैं वो इन 60 सीटों के लिए आपस में लड़ रहे हैं, फूट डल गई ना भारत में हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में, राइट, हिंदू और मुस्लिम्स, ठीक है, ध्यान रखिएगा। विद रिगार्ड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, एन इंडियन मेंबर was taken for the first time in Executive Council of Governor General. Governor General की Executive Council में जो चार बंदे थे, right? Governor General की, ध्यान रखिएगा, Governor General की दो Council हैं, एक Executive और एक Legislative है। Executive Council में चार बंदे, Legislative में छह थे, जब 10 हुए थे, right? अब जो है वो उसकी संख्या फिर 1892 में 16 कर दी गई, 10 से बढ़ाकर उसमें 16 कर दी गई, that means जो Legislative Council है, लेजिस्लेटिव काउंसिल की संख्या 6 से बढ़ाकर 16 यानी 10 कर दी गई, और अब तीसरे 1909 में वो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसकी संख्या कितनी कर दी गई, 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई, राइट। सो दैट मींस अब वो 60 जो है वो मेंबर्स, उनमें से उन 60 में से चार जो है वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर हैं, और उसमें पांचवा एक और मेंबर जोड़ा गया, इंडियन मेंबर, और भारतीय पहले जो इंडियन मेंबर बने वो थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ठीक है, गवर्नर जनरल और वॉइसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एज अ लॉ मेंबर ऐड हुए,
ठीक है। नेक्स्ट चीज देखिएगा, द मेंबर ऑफ प्रोविंशियल एग्जीक्यूटिव काउंसिल वर इंक्रीज्ड, प्रोविंसेस की जो मेंबर्स हैं वो इंक्रीज किए गए, सेंटर में 16 से 60 हुए, प्रोविंसेस में भी बढ़ाए गए, उसी तरह बढ़ाए गए जिस वजह से मैंने बोला कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसका, राइट, क्योंकि अंतिम फैसला गवर्नर का है, फिर उसके बाद अंतिम फैसला वायसराय का, फिर किसका है, सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट का, तो कोई फर्क नहीं पड़ा। बढ़ा दो, क्यों बढ़ा रहे हैं वो, फूट डालने के लिए, ठीक है, ताकि भारतीय भारत में हिंदू और मुस्लिम आपस में लड़ते रहें, ठीक है, और वही इन्होंने किया भी। द पावर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल बोथ सेंट्रल एंड प्रोविंशियल वर इंक्रीज्ड, सेंट्रल और प्रोविंशियल काउंसिल्स की पावर्स जो है वो इंक्रीज की गई। नेक्स्ट पॉइंट, इट एनलार्ज द डेलिबरेटिव फंक्शंस ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल एट बोथ द लेवल्स, फॉर एग्जांपल मेंबर वर अलाउड टू आस्क सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस, मूव रेजोल्यूशन ऑन द बजट एंड सो ऑन। सो यहां पर डेलिबरेटिव फंक्शंस, 1892 के काउंसिल एक्ट में डेलिबरेटिव फंक्शंस नहीं थे, राइट, केवल इतना था कि आप बजट के ऊपर डिस्कस कर सकते हो, सप्लीमेंट्री सवाल, एक सवाल पूछ सकते हो, उसके साथ सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं डाल सकते, ठीक है। अब क्या है, अब बजट के ऊपर कंप्लीट डिस्कशन भी हो सकता है, सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस भी डाल सकते हैं, और अपने कोई ग्रीवियंसिस है, कोई लोकल मैटर है, उसको अगर उठाना चाहते हैं प्रोविंशियल काउंसिल में भारतीय, तो वो भी कर सकते हैं, या नॉन ऑफिशियल मेंबर्स, नॉट जस्ट भारतीय, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स अगर करना चाहें तो वो काम भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर हमें साफ साफ देखने को मिला कि प्रोविंसेस की शक्ति बढ़ाई जा रही है, ठीक है, लेकिन अल्टीमेट बात तो वही है कि फाइनल जो अथॉरिटी है वो किसके हाथ में है, गवर्नर जनरल या वायसराय के हाथ में, है ना। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, अंडर दिस एक्ट द रियल पावर रिमेन्ड विद द गवर्नमेंट एंड द काउंसिल्स वर लेफ्ट विद नो फंक्शंस बट क्रिटिसिज्म, राइट। काउंसिल सवाल पूछ सकती हैं, काउंसिल अपने सजेशंस दे सकती हैं, लेकिन शक्ति जैसे कि मैंने कहा किसके पास है, गवर्नर जनरल के पास है ना शक्ति, तो ठीक है। इट रिटेन्ड ऑफिशियल मेजोरिटी इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल बट अलाउड द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स टू हैव नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी। अब यहां पर ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी एक कॉन्सेप्ट है, वो और समझना है हमें। इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 में नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को नॉमिनेट किया गया सेंट्रल लेजिस्लेशन एज वेल एज प्रोविंशियल लेजिस्लेशन में, लेकिन बोथ सेंट्रल और प्रोविंशियल लेजिस्लेशन में ऑफिशियल मेंबर्स की मेजोरिटी थी। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए सेंट्रल लेजिस्लेशन अगर 100 मेंबर्स का हो तो उसमें मेजोरिटी क्या होगा, 51 मेंबर्स ना, राइट। सो द मेजोरिटी बिलोंग्स टू द ऑफिशियल मेंबर्स, और माइनॉरिटी में कौन थे, नॉन ऑफिशियल्स। तो नॉन ऑफिशियल्स, अगर सभी नॉन ऑफिशियल्स आपस में मिलके कोई एक रेजोल्यूशन बना भी दें तो उसको ट्रंप कौन कर देंगे, ऑफिशियल मेंबर्स। हेंस द सेंट्रल लेजिस्लेशन में किसकी मेजोरिटी है, ऑफिशियल मेंबर्स की। इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 इन बोथ सेंट्रल एज वेल एज प्रोविंशियल लेजिस्लेशन में मेजोरिटी किसकी है, ऑफिशियल मेंबर्स की। बट इन द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 जो प्रोविंशियल काउंसिल्स है उसमें मेजोरिटी लाई गई किसकी, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की। लेकिन उसका कोई फर्क पड़ा नहीं, क्योंकि अगर नॉन ऑफिशियल मेंबर्स कोई फैसला ले भी, ठीक है, तो उसको ट्रंप कर सकता है गवर्नर, या अगर नॉन ऑफिशियल मेंबर्स गवर्नर पे प्रेशर डाल के कोई फैसला, कोई अपना कोई पॉलिसी मनवा भी ले, कोई पॉलिसी जो है वो एक्ट के रूप में बदलवा भी ले, तो फाइनली उसको रेटिफाई तो वायसराय को ही करना है, राइट। तो ये तो चेन ऑफ कमांड में फंस जाते हैं भारतीय। तो मैंने आपको कहा ना, दीज ऑल आर मीठी गोली है, ये भारतीयों का साथ जीतने की कोशिश की गई, भारतीयों को ये अंदेशा दिया गया कि भारतीय क्यों, भारतीय क्या मांगते रहे, ठीक है। अभी तक कांग्रेस की डिमांड क्या थी कि एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भारत में लाई जाए, राइट। अगर हमें नहीं लाने दे रहे हैं तो आप ही लेके आए एटलीस्ट एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट जिसमें भारतीयों की रिप्रेजेंटेशन हो बड़े हद तक, वो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भारत में आप लाएंगे, ठीक है। तो अंग्रेजों ने वो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट देने से अभी तक कोई साफ साफ हाँ नहीं करी थी, लेकिन वो भारतीयों को इस तरह के छोटे छोटे जो है वो गिमिक्स दिखा रहे थे अपने, ठीक है। नेक्स्ट चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स क्रिएटेड न्यू प्रॉब्लम्स। मैंने बोला ना सेपरेट इलेक्टोरेट लेके आया गया मुस्लिम्स के लिए। अब आपको यह समझना है कि व्हाट इज सेपरेट इलेक्टोरेट। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, मान लीजिए 100 व्यक्ति हैं, उनको 10 पोस्ट पे जो है वो 10 पोस्ट के लिए वो इलेक्ट होने के लिए अपने आप को नॉमिनेट करते हैं, और 1000 वोटर्स हैं, समझ रहे हैं आप। वोटिंग किस तरह होती है, कितनी पोस्ट हैं, कितने उस पोस्ट पे कितने दावेदार हैं, और फिर नीचे कितने वोटर्स हैं, ठीक है। ये 3 लेवल होते हैं ना इलेक्शन में। सो मान लीजिए 10 पोस्ट हैं, 100 दावेदार हैं और 1000 वोटर्स हैं, तो एक सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब ये होगा कि उन 10 में से 4 जो पोस्ट हैं उसके उस पर केवल और केवल मुस्लिम जो है वो रिप्रेजेंटेटिव्स ही बैठेंगे, राइट। और
जो दावेदार हैं उसमें भी बट जाएगा कि अगर 100 दावेदार हैं उसमें से 40 दावेदार केवल मुस्लिम ही होंगे, और जो 1000 लोग हैं उन 1000 लोगों में से जितनी भी मुस्लिम पॉपुलेशन है वो केवल उन 40 दावेदारों को वोट दे सकती है, और उन 40 दावेदारों में से केवल वो 4 बंदे जो हैं वो क्या बनेंगे उस पोस्ट के लिए, मतलब उस पोस्ट पे अपॉइंट किए जाएंगे, ठीक है। सो दिस इज सेपरेट इलेक्टोरेट, दैट मींस अगर, और मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब क्या हुआ कि मुस्लिम पोस्ट पे मुस्लिम ही वोट करेगा, सिंपल सी बात, ठीक है, कि जो सीट है वो मुस्लिम की होगी और उस पर वोट भी कौन करेगा, सिर्फ मुस्लिम। किसी मुस्लिम सीट पे कोई भारतीय, कोई कोई हिंदू या कोई सिख या कोई ईसाई या कोई बौद्ध या जैन जो है वो वोट नहीं कर सकता, ये बात हम समझ गए, ठीक है। दिस इज सेपरेट इलेक्टोरेट। अब आइए आगे समझते हैं कि इसको किस तरह लीगलाइज्ड कम्युनलिज्म कहा गया। ऑल राइट, सो जैसे कि मैंने कहा कि इस एक्ट को लीगलाइज्ड कम्युनलिज्म कहा गया, और लॉर्ड मिंटो को कहा गया फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट। क्यों कहा गया? क्योंकि भारत में हिंदू मुस्लिम जो एकता है उसको भंग करने की ये एक कोशिश थी, और भारत में कम्युनल डिसहार्मनी फैलाने की कोशिश की गई अंग्रेजों द्वारा बाय प्रोवाइडिंग सेपरेट इलेक्टोरेट टू मुस्लिम्स, ठीक है। और ये मैं आपको पूरी कहानी भी बताऊंगा कि किस तरह मीटिंग की गई मुस्लिम नेताओं द्वारा, जो है वो वॉयसराय के साथ मीटिंग्स हुई उनकी शिमला में, और किस तरह जो है वो जो मुस्लिम जो लीडर्स हैं उन्होंने ये यकीन दिलाया वॉयसराय को कि जो मुस्लिम इंटेलेक्ट है वो कांग्रेस की विचारधारा के साथ नहीं जुड़ेगा, आप निश्चिंत रहिए, हमें सेपरेट इलेक्टोरेट प्रोवाइड कीजिए, और जो नॉट सो इंटेलेक्चुअल पीपल है मुस्लिम्स के उनको एनलाइटन करने की कोशिश जो कांग्रेस कर रही है उस कोशिश को हम पूरा नहीं होने देंगे, ऐसा जो है वो बंगाल के नवाबों ने जो है वो अंग्रेजी वॉयसराय को ये पूरा का पूरा कॉन्फिडेंस दिया कि ऐसा हम नहीं करेंगे। तो आगे आने वाले सेशंस में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह मुस्लिम लीग की स्थापना हुई और क्या था शिमला समझौता इनका, पूरी चीजें हम समझेंगे। ये नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, बिसाइड सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स रिप्रेजेंटेशन इन एक्सेस ऑफ देयर पॉपुलेशन स्ट्रेंथ वॉज अकॉर्डेड टू द मुस्लिम्स, ऑल्सो द इनकम क्वालिफिकेशन फॉर मुस्लिम वोटर्स वॉज केप्ट लोअर देन दैट ऑफ हिंदू, राइट। इनकम क्वालिफिकेशन जो है वो किससे, इनकम के बेसिस पर, राइट, जो क्वालिफिकेशन था किसका कि सेपरेट इलेक्टोरेट मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो मुस्लिम्स का हिंदुओं से कम रखा गया। नेक्स्ट पॉइंट, इट ऑल्सो प्रोवाइडेड फॉर द सेपरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रेजिडेंसी कॉरपोरेशंस चेंबर्स ऑफ कॉमर्स यूनिवर्सिटीज एंड जमींदार। तो केवल सेपरेट इलेक्टोरेट मुस्लिम्स को ही नहीं दिया गया, देख रहे हैं आप, इनको भी आपस में बांट दिया गया। प्रेजिडेंसी कॉरपोरेशंस जो अलग अलग, बंगाल प्रेजिडेंसी है और मद्रास प्रेसिडेंसी है, बंबई प्रेसिडेंसी है, उनकी जो डिफरेंट कॉरपोरेशंस हैं, उनमें जो डिफरेंट कॉरपोरेशंस हैं उनको एक सेपरेट इलेक्टोरेट हो। उसके अलावा जो चेंबर हैं कॉमर्स के, चेंबर ऑफ कॉमर्स टर्म इस्तेमाल की जाती है, आप मान सकते हैं कि इट इज़ अ फॉर्म ऑफ यूनियन, बट यूनियन जो है वो अपने हकों के लिए लड़ता है, चेंबर ऑफ कॉमर्स जो है वो अपने अपने हकों के लिए अथॉरिटी से लड़ता है यूनियन, राइट। चेंबर ऑफ कॉमर्स क्या होता है कि आपस में फैसले लेता है, जैसे आज के डेट में ट्रस्ट होते हैं बहुत सारे, या उसके अलावा जो ग्रुप्स होते हैं, एसोसिएशंस बनती हैं, सो चेंबर्स भी एक उसी तरीके का एक छोटा सा ग्रुप है व्यापारियों का, जो कि हो सकता है कि एक पर्टिकुलर तरीके का व्यापार हो या किसी जगह से रिलेटेड व्यापार। यानी कि मान लीजिए कि अगर सूरत के पोर्ट में ट्रेड हो रहा है तो सूरत के पोर्ट के ट्रेडर्स का एक चेंबर है और वहां से हर तरीके का व्यापार हो रहा है, कॉटन भी एक्सपोर्ट हो रहा है वहाँ से, सिल्क भी एक्सपोर्ट हो रहा है वहाँ से, हैंडीक्राफ्ट भी एक्सपोर्ट हो रहा है वहाँ से, अफीम भी एक्सपोर्ट हो रही है, तो इन सारे एक्सपोर्टर्स का एक चेंबर है, राइट। नेक्स्ट चीज, यूनिवर्सिटीज और जमींदार को जो है वो सेपरेट इलेक्टोरेट दिए गए, देखिएगा। नेक्स्ट चीज, द सिस्टम ऑफ इलेक्शन वॉज वेरी इनडायरेक्ट, द लॉ, अब वही सिस्टम ऑफ इलेक्शन में आपको इनडायरेक्ट इलेक्शन मैंने आपको समझा दिया है, उसी की स्टेटमेंट है, देखिएगा। द लोकल बॉडीज वर टू इलेक्ट एन इलेक्टोरल कॉलेज विच इन टर्न वुड इलेक्ट मेंबर्स ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेचर हु इन टर्न वुड इलेक्ट मेंबर्स ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेचर। तो ये मैंने आपको पहले हायरार्की समझाई है कि जो प्रोविंशियल लेवल पर जो लोकल बॉडीज हैं, लोकल बॉडीज क्या है, जमींदार हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, ये इस तरह के चेंबर्स हैं, राइट, ये क्या करेंगे, ये अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करेंगे जो कि
उन रिप्रेजेंटेड जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके कॉलेज में से छांटा जाएगा गवर्नर द्वारा, गवर्नर की काउंसिल के लिए मेंबर्स, और उनमें से भी फिर छांटा जाएगा सेंट्रल लेजिस्लेशन के लिए मेंबर्स। तो ये जो नॉमिनेशन वाला जो फंडा है, इनडायरेक्ट इलेक्शन वाला जो फंडा है, ये बहुत हद तक फेवर में नहीं था भारतीयों के लिए। बहुत हद तक क्या, बिल्कुल भी फेवर में नहीं था। क्यों? क्योंकि इस इनडायरेक्ट इलेक्शन के माध्यम से अपने लॉयलिस्ट को जो है वो अंग्रेज बहुत आसानी से अपनी काउंसिल में मेंबर बना लिया करते थे। नेक्स्ट चीज देखेंगे, दस द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एट लार्ज रिमेंड रिमोट एंड अनरियल ऑब्वियसली। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, आगे देखेंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। दिस एक्ट वॉज बेस्ड ऑन वट आर पॉपुलरली नोन एज मॉन्टेगू कैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। सो जैसे मैंने मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स बोला था, उसमें से मॉर्ले वॉज द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंड मिंटो वॉज द वॉयसराय। सिमिलरली मॉन्टेगू कैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स में मॉन्टेगू इज द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट एंड कैम्सफोर्ड वॉज द वॉयसराय ऑफ दैट टाइम। ठीक है, सो मॉन्टेगू कैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स इन ऑगस्ट 1917, द ब्रिटिश गवर्नमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम डिक्लेयर दैट इट्स ऑब्जेक्टिव वॉज टू ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया बट एज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। इसको कहा जाता है मॉन्टेगू डेक्लेरेशन 1917 की, राइट। मॉन्टेगू डेक्लेरेशन में क्या बोला, जो कांग्रेस या भारतीय अन्य ग्रुप मांग रहे थे बहुत समय से कि एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट ले आओ भैया, अंग्रेजों को कह रहे थे। और अंग्रेज जो है वो अभी तक उन्होंने स्टेटमेंट नहीं दिया था कि हम रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट तुम्हें देंगे या नहीं देंगे। एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट देने का मतलब ये है कि धीरे धीरे भारतीयों को डोमिनियन स्टेटस मिल जाएगा और फिर धीरे धीरे इंडिपेंडेंस मिल जाएगी। दैट मीन्स शक्ति का स्थानांतरण किया जाना, यानी कि एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करने का भारतीयों के लिए मतलब ये था कि अंग्रेज अब भारत को छोड़कर चले जाएंगे। उसका एक इंडिकेशन था ये कि एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करना। तो डिक्लेरेशन क्यों आया था ये मॉन्टेगू डिक्लेरेशन 1917 में? भारतीयों से क्या चाहिए था अंग्रेजों को? विश्व युद्ध में सैनिक चाहिए थे। विश्व युद्ध में लड़ने के लिए भारतीय जितने भी व्यापारी हैं, भारतीय जमींदार हैं, उनसे पैसा चाहिए था। तो ये मीठी गोली दी गई। विश्व युद्ध खत्म हुआ उसके बाद की जो मैंने आपको बताया था रॉलेट एक्ट आया, ठीक है, काला कानून लाया गया। फिर जो टर्की के साथ वहां पर खिलाफत में जो समस्या हुई उसके अगेंस्ट खिलाफत आंदोलन भारत में हुआ। तो वो खिलाफत आंदोलन वाला अगर आपने टॉपिक नहीं देखा है, नॉन कोऑपरेशन वाला, तो उसको आप देख सकते हैं। यही जो मॉन्टेगू कैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स है, इसी से ही आगे की स्टोरी वहां पर है उस टॉपिक में। तो वहां से उस टॉपिक से कनेक्ट करेंगे इसके आगे की स्टोरी आप, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, तो मैंने क्या बोला यहां पे कि एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करनी है। मॉन्टेगू ने ऐसा कहा अपनी डेक्लेरेशन में। क्यों कहा? क्योंकि भारतीयों से सपोर्ट चाहिए था। अब इस डेक्लेरेशन के बेसिस पर और मॉन्टेगू और कैम्सफोर्ड ने जो रिफॉर्म क्रिएट किए उसके बेसिस पर एक एक्ट लाया गया, उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कहा गया। अब देखते हैं कि उसमें क्या क्या प्रावधान थे। पहला प्रावधान है, द एक्ट ऑफ 1919 क्लैरिफाइड दैट देयर वुड बी ओनली अ ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया एंड द ब्रिटिश पार्लियामेंट एंड नॉट सेल्फ डिटर्मिनेशन ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया वुड डिटरमाइन द टाइम एंड मैनर ऑफ ईच स्टेप अलॉन्ग द पाथ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोग्रेस। फिर कॉम्प्लिकेटेड सी स्टेटमेंट है, बिल्कुल सिंपल मतलब है इसका कि भारत को एक जिम्मेदार गवर्नमेंट देने का वादा किया इन्होंने, मॉन्टेगू ने, लेकिन वो जिम्मेदार गवर्नमेंट कब देंगे, कैसे देंगे, कितने समय में देंगे, राइट, कितनी जिम्मेदारी लेकर आएगी वो, कितनी जिम्मेदारी वो भारतीयों को देगी, ये सब कौन फैसला करेगा? भारतीय नहीं करेंगे, ये सारा फैसला अंग्रेज करेंगे। तो स्वाभाविक तौर पर भारतीयों का क्या था रिएक्शन कि तो हमें बताओ ना कब दोगे आप एक स्टेबल गवर्नमेंट हमें, या एक रीजनेबल गवर्नमेंट आप हमें कब प्रोवाइड करेंगे। सो कोई स्पेसिफिक टाइमलाइन ना होने के कारण भारतीयों ने इसको रिजेक्ट किया, पहली चीज, राइट। पहला पॉइंट क्लियर हो गया, सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशन जो है वो भारतीयों को दिए जाएंगे, लेकिन उस पर कोई स्पेसिफिक टाइमलाइन प्रोवाइड नहीं की गई, प्लस भारतीयों की कोई बोल नहीं है उसमें, भारतीय कुछ नहीं कह सकते, अंग्रेजी गवर्नमेंट ही देगी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अंडर द 1919 एक्ट द इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल एट सेंटर वॉज रिप्लेस्ड बाय बाइकैमरल सिस्टम।
कंसिस्टिंग ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स एंड अ लेजिस्लेटिव असेंबली, ईच हाउस वॉज टू हैव अ मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स हु वर डायरेक्टली इलेक्टेड, सो डायरेक्ट इलेक्शन वॉज इंट्रोड्यूस्ड, दाउ द फ्रेंचाइज वॉज मच रिस्ट्रिक्टेड बींग बेस्ड ऑन क्वालिफिकेशन ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स और एजुकेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हर एक एक्ट का कैरेक्टरिस्टिक है, 1919 के एक्ट के बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, राइट। 1919 के एक्ट का पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या देखा हमने यहां पे? पहला पॉइंट तो ये देखा कि सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशन यानी कि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट देंगे, लेकिन कब देंगे ये नहीं बताया। दूसरी चीज जो इंडियन क्या थी, जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी या इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, उसको हटाकर एक बायकैमरल सिस्टम लाया गया। पहले एक काउंसिल थी, अब उसकी जगह दो काउंसिल बनाए गए। जैसे भारत की पार्लियामेंट में दो हाउसेज हैं, अपर हाउस है और लोअर हाउस है, हाउस ऑफ स्टेट और हाउस ऑफ पीपल, राइट, राज्यसभा और लोकसभा। तो ये राज्यसभा और लोकसभा वाला फंडा कहां से आया है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से आया है, जब इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल को बायकैमरलाइज कर दिया गया और दो जो है वो यहां पर शेल्फ क्रिएट कर दिए गए। क्या क्या? पहला था काउंसिल ऑफ स्टेट जिसको अपर हाउस कहा गया, और दूसरा लेजिस्लेटिव असेंबली जिसको लोअर हाउस कहा गया। इसमें दोनों में मेजॉरिटी जो है वो, सेकंड चीज इलेक्शन, इलेक्शन वर्ड का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया गया। अभी तक क्या है, अभी तक इनडायरेक्टली इलेक्ट हो रहे हैं, राइट। 1892 में तो बोला ही नहीं था उन्होंने, इलेक्शन का जिक्र ही नहीं किया था। 1909 में उन्होंने इलेक्शन नहीं लेकिन इनडायरेक्ट इलेक्शन का जिक्र किया था, राइट। लेकिन अब 1919 में उन्होंने पूरा का प्रॉपर जो है वो डायरेक्ट इलेक्शन वर्ड का यूज किया यहां पे अपने इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में, जिसमें बोला गया कि डायरेक्टली इलेक्टेड किए जाएंगे ये दोनों, अपर हाउस लोअर हाउस में, ठीक है। और लेकिन देखिएगा, लेकिन फ्रेंचाइज किसको रखी गई? क्या अडल्ट सफरेज को रखा गया? अब फ्रेंचाइज और अडल्ट सफरेज का मतलब क्या होता है कि वही भारत के वो सब लोग जो कि अडल्ट हैं, अब अडल्ट होना 18 साल होगा या 21 साल होगा या 26 साल होगी अडल्ट उम्र, वो गवर्नमेंट डिपेंड करती है, लेकिन अडल्ट हो और सब सभी जो है वो एक जनरल पॉपुलेशन यूनिवर्सल फ्रेंचाइज हो, दैट मीन्स महिलाएं पुरुष हर धर्म हर एथनिसिटी हर रेस हर जाति के महिला और पुरुष जो है वो वोट दे सके, हर जाति के अडल्ट महिला और पुरुष जो है वो वोट दे सके, दिस इज यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। लेकिन जो 1919 की फ्रेंचाइज सेट की गई, यानी कि कौन लोग वोट दे सकते हैं, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब क्या है कि सभी अडल्ट वोट दे सकते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर जेंडर देयर क्रीड देयर कास्ट। लेकिन एक स्पेसिफिक फ्रेंचाइज का मतलब क्या होता है, यहां पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में एक स्पेसिफिक फ्रेंचाइज थी जिसमें केवल ऐसे व्यक्ति जिनकी एक सर्टेन प्रॉपर्टी है, जो सर्टेन लेवल ऑफ टैक्स देते हैं या जिनके पास सर्टेन लेवल ऑफ एजुकेशन है उनकी, राइट। सो दैट मींस एक बहुत लिमिटेड, यानी मैंने आपको बोला ना मध्यम वर्ग डेवलप किया है और उसी मध्यम वर्ग से अब वो वोटिंग करवा रहे हैं। रॉयल क्लास को अपने कब्जे में लिया उन्होंने 1858 के डिक्लेरेशन से, क्वीन के, रॉयल क्लास को अपने साथ मिलाया और अब मध्यम वर्ग जो है मध्यम वर्ग को वोटिंग राइट दे दिए। मध्यम वर्ग को पहले एजुकेशन प्रोवाइड करी, मैं आपको एजुकेशनल रिफॉर्म्स बताऊंगा मैक्योले माइनूट से, या उससे पहले मैं आपको 1774 में जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल बनी है वहां से उठाऊंगा एजुकेशन कैसे डिजाइन किया भारत की उन्होंने, पूरा फंडा समझाऊंगा आपको मैं। फिर जो माइनूट आया है उसके बाद जो है वो एजुकेशन में और क्या क्या बदलाव आए, तो एक जो मध्यम वर्ग बना उसको वोटिंग राइट दिया, जो अपर वर्ग है वो उसको भी वोटिंग राइट है। अब ये इन लोगों को जो है वो, इन भारतीयों को वोटिंग राइट्स दिए गए, तो ये जो लॉयलिस्ट है अंग्रेजों के वो ऑब्वियसली ऐसे ही मेंबर्स चूज करेंगे जो कि अंग्रेजों के लॉयलिस्ट हो। सो अगर उन्होंने डायरेक्ट इलेक्शन लिखा भी है इस बार तो उसका कुछ फायदा नहीं है, क्यों? क्योंकि फ्रेंचाइज जो है वो सारे लॉयलिस्ट लोग हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, द प्रिंसिपल ऑफ कॉम्युनल रिप्रेजेंटेशन वाज एक्सटेंडेड। अब कॉम्युनल रिप्रेजेंटेशन जो पहले मुस्लिम्स को था, अब उसको बढ़ाकर सिख क्रिश्चियन और एंग्लो इंडियंस को भी दे दिया गया। दैट मींस जो लेजिस्लेटिव काउंसिल, चाहे वो प्रोविंशियल प्रोविंसेस में रह गई ना लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो तो किसमें टूट गई, दो हिस्सों में टूट गई ना, अपर हाउस और लोअर हाउस। तो अपर हाउस लोअर हाउस और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, इन तीनों में जो
इलेक्ट हो सकते हैं बंदे, वो एक स्पेसिफिक फ्रेंचाइज के होंगे, और उन स्पेसिफिक फ्रेंचाइज में से भी धर्म के आधार पर मुस्लिम्स और सिखों को अलग जो है वो इलेक्टोरेट है, और एंग्लो इंडियंस को अलग इलेक्टोरेट है। देख रहे हैं भारत की सोसाइटी को किस तरह बांट दिया इन्होंने, ठीक है। तो कौन कौन बचे, अगर मुस्लिम्स को अलग दे दिया, सिखों को अलग दे दिया, सो दैट मींस अब 1909 में केवल मुस्लिम्स को अलग दिया था सेपरेट इलेक्टोरेट, तो जनरल इलेक्टोरेट क्या बचा था, जिसमें हिंदू भी थे, सिख भी थे, ईसाई भी थे, बौद्ध धर्मी थे, जैन धर्मी थे, महिलाएं भी थी, एंग्लो इंडियंस भी थे, यूरोपियन भी थे, राइट, वो था जनरल इलेक्टोरेट। अब उस जनरल इलेक्टोरेट में से भी सिखों को अलग कर दिया, एंग्लो इंडियंस को अलग कर दिया, तो अब क्या बचा जनरल इलेक्टोरेट में, अब बचा जनरल इलेक्टोरेट में केवल हिंदू और ईसाई और उसके अलावा पारसी और ये सब लोग, अन्य जितनी भी एथनीसिटी है, राइट, वो सब बचे। सो यहां पर कॉम्युनल डिसहार्मनी जो है वो फैलाई गई, ठीक है। सिखों ने अंग्रेजों का साथ दिया था, इसलिए सिखों को भी सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया 1857 में, साथ दिया था। अब नेक्स्ट पॉइंट है, द एक्ट इंट्रोड्यूस्ड डायर्की इन द प्रोविंसेस विच इंडीड वॉज अ सब्सटेंशियल स्टेप टूवर्ड्स ट्रांसफर ऑफ पावर टू द इंडियन पीपल। अब ये डायर्की क्या है मैं आपको समझाऊंगा आगे, लेकिन यहां पर यह पॉइंट इंट्रोड्यूस कर देते हैं हम कि डायर्की जो है वो अंग्रेजों ने इंट्रोड्यूस कहां की, प्रोविंसेस में। तो 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से सेंट्रल लेजिस्लेशन में क्या हुआ, वहां पर बाय कैमरल सिस्टम एस्टेब्लिश हुआ और प्रोविंसेस में आई डायर्की। डायर्की का क्या मतलब है आगे देखते हैं, लेकिन पहले ये पॉइंट देख लीजिएगा, द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर वाज कंसिस्ट ऑफ वन हाउस। डायर्की तो आई प्रोविंसेस में, लेकिन हाउस केवल एक ही है। ये सवाल है कि क्या 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में जो प्रोविंशियल लेजिस्लेशन है उसमें भी दो हाउस बन गए थे क्या, नहीं, केवल सेंट्रल लेजिस्लेशन को तोड़कर अपर हाउस और लोअर हाउस बना दिया गया था। प्रोविंशियल लेजिस्लेशन में एक ही हाउस था, लेकिन प्रोविंशियल लेजिस्लेशन में डायर्की ले आई गई थी। तो ये डायर्की का मतलब होता है ना, यानी कि दो तरह की पावर्स जो है वो रूल कर रही है, दो तरह की शक्तियां आपस में जो है वो काम कर रही है मिलकर। ये जो डायर्की वाला जो वर्ड है, जो डाय वाला जो शब्द है, इससे बायकैमरल को कंफ्यूज करके सवाल जो है वो पुट किया जाता है, ठीक है, अलग अलग एग्जामिनेशन की जो अथॉरिटीज है उनके द्वारा, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा आप। नेक्स्ट पॉइंट, द एक्ट सेपरेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम प्रोविंशियल एंड सेंट्रल बजट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहले बजट कौन बनाता था, पहले बजट बनाता था केवल सेंटर, ठीक है, जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो पूरे देश के लिए बजट बना रही है, और वो जो बजट बना रही है वो प्रोविंसेस को मानना पड़ रहा था, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से प्रोविंसेस को हक दिया गया कि आप भी अपना बजट खुद बना सकते हैं। सो जो पहले प्रोविंसेस 1892 में केवल जो है वो एक सजेशन दे सकते थे फाइनेंशियल मैटर पे, फिर 1909 में वो बहस भी कर सकते हैं और कुछ हद तक फैसले भी ले सकते हैं, अब 1919 में पूरा का पूरा बजट उन्हीं को ही दे दिया बनाने को कि तुम ही बनाओ। और मेजॉरिटी किसकी है, मेजॉरिटी भारतीयों की है, लेजिस्लेशन है किसका, प्रोविंशियल लेजिस्लेशन है। तो ये सुनने में लग रहा है ना कि 1892 से 1909 और 1919 प्रोविंशियल लेजिस्लेशन में भारतीयों को जो है वो शक्ति प्रोवाइड की जा रही है, लेकिन ये डायरियल सिस्टम जब मैं आपको समझाऊंगा ना अभी, तब आपको समझ आ जाएगा कि ये सब फर्जी है, ऐसा कुछ नहीं हुआ, केवल दिखाने के लिए शक्ति दी, लेकिन एक्चुअल पावर जो है वो नहीं मिल पाई भारतीयों को, ठीक है, इसीलिए विरोध भी किया गया। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, अ हाई कमिश्नर फॉर इंडिया वॉज अपॉइंटेड हु वॉज to hold his office in London for 6 years and whose duty was to look after Indian trade in Europe. Some of the functions hitherto performed by Secretary of State for India were transferred to the High Commissioner. Now, Secretary of the State, जो कि सारे के सारे affairs overlook कर रहा था, किसके, England में बैठे बैठा सारे के सारे affairs overlook कर रहा था, किसके, British, जो British Crown का जो administration चल रहा है British colony India में, राइट, लेकिन अब उसकी जगह जो रेवेन्यू है उसके लिए एक स्पेसिफिक अलग से कमिश्नर जो है वो अपॉइंट किया गया, जिसका नाम हाई कमिश्नर रखा गया। और रेवेन्यू भी कौन सा, केवल इंडियन ट्रेड इन यूरोप, भारत से जो यूरोप में ट्रेड हो रहा है, राइट, उसके लिए एक अलग से हाई कमिश्नर अपॉइंट किया गया। सो यहां पर क्या हो रहा है, धीरे धीरे हम देख रहे हैं सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट की शक्ति कम करी जा रही है,
ध्यान रखिएगा, यहां पर सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट की शक्ति कम करनी शुरू कर दी। नेक्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर इंडिया हु यूज्ड टू गेट हिज पे फ्रॉम इंडियन रेवेन्यू वाज नाउ टू बी पेड बाय ब्रिटिश एक्सचेकर। ठीक है, जो ब्रिटिश एक्सचेकर है, मैंने आपको बताया था पिछले सेशन में, ब्रिटिश एक्सचेकर क्या होता है, जो अंग्रेजों का, जो क्राउन का मुनीम है, राइट, जैसे भारतीयों का सीएजी है, वैसे क्राउन का मुनीम है, जो उनके अकाउंट का पूरा हिसाब किताब रखता है और सबको सैलरियां बांटता है। ठीक है, तो जो क्राउन का मुनीम है, उनका जो सीएजी है, उसको कहा जाता है एक्सचेकर। तो जो ब्रिटिश एक्सचेकर है वो अब सैलरी देगा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 से सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट जो है वो भारत में, भारत के लिए जो है वो अपॉइंट किया गया था, और उसकी सैलरी जो है वो इंडियन रेवेन्यू से आनी थी। 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से उसकी सैलरी अब कौन देगा, ब्रिटिश एक्सचेकर। दैट मींस अब उसकी उसका उसकी पकड़ जो है वो भारत पे धीरे धीरे कम की जा रही है। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, इट रिलैक्स द सेंट्रल कंट्रोल ओवर द प्रोविंसेस बाय डिमार्केटिंग एंड सेपरेटिंग सेंट्रल एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक तो मैंने आपको बोला ना कि प्रोविंसेस को बजट बनाने के लिए दिया गया, तो दैट मींस जो फाइनेंशियल सब्जेक्ट है, फाइनेंशियल जो मैटर है एडमिनिस्ट्रेशन का, राइट, कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या रहेगी, ये जो मैटर है इस पे, जैसे मैंने बोला ना कि प्रोविंशियल जो लेजिस्लेशन है उसको शक्ति दी गई है, ठीक है, कि बजट आप बनाइए, उसी तरह और बहुत सारे मैटर्स पे प्रोविंसेस को शक्ति दी गई, लेकिन जो मुख्य मैटर है जैसे कि डिफेंस या किससे संधि करनी है, किसके साथ युद्ध करना है, ये सारे मैटर जो है वो सेंटर ने अपने कंट्रोल में रखे, और कुछ जो है वो छोटे मोटे मैटर्स, एजुकेशन, हेल्थ केयर से रिलेटेड, ये इस तरह के मैटर्स जो है वो प्रोविंसेस को दिए। तो यहां पर हमें एक क्लियर डिस्टिंक्शन दिखा सेंट्रल और प्रोविंसेस सब्जेक्ट्स में। तो यहां पर सेंट्रल लिस्ट क्या होगी, प्रोविंशियल लिस्ट क्या होगी, कंकरेंट लिस्ट क्या होगी, रेजिडुअल पावर्स क्या होंगी, ये हमें जो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में भी देखने को मिलते हैं प्रेजेंट डे, ये कहां से उठाया उन्होंने, 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, राइट। तो आपको यहां पर मैं धीरे धीरे पॉलिटी सब्जेक्ट का बैकग्राउंड भी क्रिएट करके दे रहा हूं, ध्यान रखिएगा, ये पॉलिटी मैंने आपको बोला था ना, इतिहास से ही मैं पॉलिटी का बैकग्राउंड भी क्रिएट कर दूंगा, वही हो रहा है यहां पे, ठीक है। सो नेक्स्ट चीज देखिए, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, ये वाला पॉइंट हमने देख लिया। द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेचर ऑथराइज टू मेक, हाँ, द सेंट्रल एंड प्रोविंस, लास्ट पॉइंट देखिएगा, द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स वर ऑथराइज टू मेक लॉज ऑन देयर रिस्पेक्टिव लिस्ट और सब्जेक्ट, हाउएवर द सब्जेक्ट ऑफ गवर्नमेंट कंटिन्यू टू बी सेंट्रलाइज्ड एंड यूनिटरी। तो यहां पर देखिए, अगर स्टेट के मामले सारे अलग हो जाएं और अगर स्टेट खुद ही जो है वो शासन करता रहे अपना, तो वो तो एक फेडरल सिस्टम बन जाएगा ना, जिसमें सेंटर से अलग शक्तियां हो जाती हैं स्टेट की, राइट, और सेंटर की जो है वो स्टेट के ऊपर बहुत कम कंट्रोल होता है, ना के बराबर, इट इज अ फेडरल सिस्टम। लेकिन यहां पर अभी यूनिटरी नेचर है ज्यादा, फेडरल सिस्टम नहीं आया, आगे देखेंगे हम फेडरल सिस्टम आएगा, यहां पर अभी यूनिटरी नेचर है, क्यों, क्योंकि प्रोविंसेस को शक्तियां हैं लेकिन मुख्य चीजों की नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट बोलता है हमारा, इट फर्दर डिवाइडेड द प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स इनटू टू पार्ट्स, ट्रांसफर्ड एंड रिजर्व्ड। अब प्रोविंशियल जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, जो असेंबली है, वो है यूनिकैमरल, ठीक है, एक ही हाउस है। अब वो एक ही हाउस में दो तरह के मैटर्स बांट दिए गए, ट्रांसफर्ड और रिजर्व्ड। ट्रांसफर्ड जो सब्जेक्ट है वो एडमिनिस्टर करने थे, एडमिनिस्टर्ड बाय द गवर्नर विद द एड ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर लेजिस्लेटिव काउंसिल। जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसके जो मिनिस्टर्स हैं, मैंने आपको बोला था ना, लॉर्ड कैनिंग ने क्या किया था, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उन डिपार्टमेंट्स के जो भी हेड्स हैं उनको किसमें लेके आया था, वो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में, ताकि डिपार्टमेंटल रिप्रेजेंटेशन जो है वो लेजिस्लेशन में आए, ठीक है, यानी कि कैबिनेट वाला सिस्टम। तो वो जो जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं या जितनी भी मिनिस्ट्रीज हैं, उन सारी मिनिस्ट्रीज के जो भी मिनिस्टर हैं, वो जो मिनिस्टर फैसला लेंगे, वो अगर गवर्नर के साथ मिलकर ले रहे हैं फैसला, तो वो हो गए आपके ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट, ठीक है। दूसरा था आपका रिजर्व्ड सब्जेक्ट। सो रिजर्व्ड सब्जेक्ट कौन है, जो कि एडमिनिस्टर्ड बाय गवर्नर एंड हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल विदाउट बीइंग रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेटिव काउंसिल। यहां पर आपको एग्जीक्यूटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव काउंसिल में डिफरेंस फिर से दिख गया,
कि जो रिजर्व्ड मामले हैं वो गवर्नर और उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल मिलकर ले रही है। उन एग्जीक्यूटिव काउंसिल में भारतीयों का जो स्ट्रेंथ है वो बहुत कम होगी और अंग्रेजों का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा होगा। तो ऐसे मामले जो बिल्कुल ही क्रूशियल हैं राज्य के लिए, जो अंग्रेजों के हिसाब से बिल्कुल क्रूशियल है, वो आए उनके रिजर्व्ड सब्जेक्ट में, रिजर्व्ड मैटर था। और जो अन्य जिनका इतना इंपॉर्टेंस नहीं है वो सब, और जो भारतीय सोसाइटी से रिलेटेड है वो सब आए किसके पल्ले, ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट, जिसमें काउंसिल में जो लेजिस्लेटिव काउंसिल में मेंबर्स हैं, जो मिनिस्टर्स हैं, वो आपस में मिलकर उसमें फैसला कर सकते हैं, जिसमें मेजोरिटी किसकी है, नॉन ऑफिशियल्स की। अब वो नॉन ऑफिशियल्स में क्या कर दिया उन्होंने, नॉन ऑफिशियल्स में सेपरेट इलेक्टोरेट कर दिया उन्होंने, ताकि वो नॉन ऑफिशियल्स आपस में लड़ते रहे। समझ रहे हैं आप पूरी चाल, ध्यान से समझिए। जो प्रोविंशियल, जो क्या बोलते हैं, प्रोविंशियल लेजिस्लेशन है वो यूनिकैमरल है, एक हाउस है, उसमें गवर्नर की एग्जीक्यूटिव काउंसिल है और लेजिस्लेटिव काउंसिल है। जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसमें भारतीयों के अलग अलग वर्ग को सेपरेट इलेक्टोरेट है, तो वो लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो बटा हुआ है आपस में, लड़ रहा है आपस में। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल लड़ भी रहा है आपस में, उसको ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट भी दिए गए हैं, दैट मीन्स इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट उसको नहीं दिए गए और वो लड़ भी रहा है आपस में। और दूसरी साइड जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के पास है, वॉइस रहेगी और वो इंपॉर्टेंट फैसले कर रहे हैं। ये जो ट्रांसफर्ड और जो दूसरे रिजर्व्ड जो सब्जेक्ट्स हैं, ये जो बटा हुआ है किसके बीच में, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव काउंसिल के बीच में, इसको बोला जाता है डायरकियल सिस्टम। ठीक है, तो प्रोविंशियल काउंसिल्स में क्या आया, डायरकियल सिस्टम 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, घुमा फिरा के पूछा जाता है इस क्वेश्चन को। ठीक है, अगर आप आराम से समझ जाएंगे तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये रिजर्व्ड और ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट हमने समझा क्या है और किसने हैंडल किए। दिस डुअल स्कीम ऑफ गवर्नेंस वाज नोन एज डायार्की, अ टर्म डेराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड डायार्क व्हिच मींस डबल रूल। ठीक है, दो तरह की शक्तियां जो है वो रूल कर रही है, लेजिस्लेटिव काउंसिल अलग और एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो है वो अलग कर रही है रूल। राइट, गवर्नर लेजिस्लेटिव काउंसिल के साथ भी काम कर रहा है और गवर्नर एग्जीक्यूटिव काउंसिल के साथ भी काम कर रहा है। ठीक है, तो आपको एक इस तरह से पावर का ट्री बनाना आना चाहिए, आपके दिमाग में प्रिपेयर्ड होना चाहिए ये। नेक्स्ट चीज, इट रिक्वायर्ड दैट द थ्री ऑफ द सिक्स मेंबर्स ऑफ वॉइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल अदर देन द कमांडर इन चीफ वर टू बी इंडियन। अब ये जो वॉइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, इसमें पहले भारतीय नहीं थे, लेकिन अब इनमें से छह में से तीन जो है वो भारतीय मेंबर होंगे, लेकिन वो तीन जो है वो लॉयलिस्ट होंगे, इसलिए उनका कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं होगी। प्लस अगर इंपॉर्टेंस हो भी तो अंतिम फैसला तो ऑब्वियसली वॉइसरॉय का ही है। ठीक है, नेक्स्ट चीज, इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन, हेंस अ सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन वाज सेट अप इन 1926। जिसको आज हम यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी के नाम से जानते हैं, वो अंग्रेजों के समय में एस्टेब्लिश हुआ था, कब, 1926 में। ठीक है, सिविल सर्वेंट्स की रिक्रूटमेंट, यानी उस समय सिविल सर्वेंट्स कहा जाता था और सर्विस को कहा जाता था इंपीरियल सिविल सर्विसेज या इंडियन सिविल सर्विसेज, ICS, जिसको आज हम IAS कहते हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। राइट, सो 1926 में बनाइए। नेक्स्ट पॉइंट, इट सेपरेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम प्रोविंशियल बजट और सेंट्रल बजट। ये पॉइंट हम ऑलरेडी एस्टेब्लिश कर चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इट प्रोवाइडेड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ स्टैट्यूटरी कमीशन। अब ये बात और थी इसमें, ये जो 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है ना, इसके लिए एक स्टैट्यूटरी कमीशन और बना देते हैं हम, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 ने किस तरह का काम किया, अगले आने वाले 10 साल में उसकी एक रिपोर्ट प्रिपेयर करेगा और उस रिपोर्ट के बेसिस पे फिर जो है वो अगले कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस या रेमेडीज जो है वो लाई जाएंगी। ठीक है, सो दिस वॉज ये जो स्टैट्यूटरी कमीशन बनाना था, ये बाद में स्टैफर्ड क्रिस्प के अंडर बना और उसको हमने सर जॉन साइमन के अंडर बना, जिसको हमने साइमन कमीशन के नाम से जाना है। ठीक है, बट उसके लिए प्रोविजन किसमें था, 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में। नेक्स्ट देखेंगे हम, उसी साइमन कमीशन को समझते हैं। इन नवंबर 1927, यानी कि जो प्रिस्क्राइब्ड 10 सालों का समय है उससे 2 साल पहले, द ब्रिटिश गवर्नमेंट अनाउंस द अपॉइंटमेंट ऑफ अ 7 मेंबर्ड स्टैट्यूटरी कमीशन अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सर जॉन साइमन टू रिपोर्ट ऑन द कंडीशन ऑफ इंडिया अंडर इट्स न्यू कॉन्स्टिट्यूशन।
ठीक है, वही मैंने आपको बोला ना कि नया कॉन्स्टिट्यूशन कैसा बनेगा, 1919 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है उसके आधार पर चेक किया जाना था। ठीक है, ऑल द मेंबर्स ऑफ द कमीशन वर ब्रिटिश एंड हेंस ऑल द पार्टीज बॉयकॉटेड द कमीशन, ये बात हम ऑलरेडी एस्टेब्लिश कर चुके हैं पिछले सेशंस में। द कमीशन सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन 1930 एंड रेकमेंडेड द एबोलिशन ऑफ डायरकी, एक्सटेंशन ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन द प्रोविंसेस, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ फेडरेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया एंड प्रिंसली स्टेट्स, कंटिन्यूएशन ऑफ कॉम्युनल इलेक्टोरेट एंड सो ऑन। सो क्या क्या करने को बोला कि डायरकी जो है वो हटा देनी चाहिए, उसके अलावा एक फेडरेशन एस्टेब्लिश करी जानी चाहिए, किसकी, ब्रिटिश प्रोविंसेस और इंडियन जो नेटिव स्टेट्स हैं, प्रिंसली स्टेट्स हैं, और उसके अलावा जो कॉम्युनल इलेक्टोरेट है वो लगातार चलता रहना चाहिए। ये आगे मैं आपको बताऊंगा क्यों, क्योंकि साइमन कमीशन की रिपोर्ट के बेसिस पे अगला क्या बनना था, साइमन कमीशन की रिपोर्ट के बेसिस पे नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस आने थे। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस जो है वो भारतीयों के साथ डिस्कस किए जाने थे, इसके लिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज होनी थी, मैंने आपको राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज वाले टॉपिक में समझाया है। ठीक है, उन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज में साइमन कमीशन पे बेस्ड जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट के बेसिस पर भारतीयों से डिस्कस किया जाना था कि किस तरह का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाएगा आपके लिए, और फिर उसके बेसिस पे एक नया एक्ट लाया जाना था जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कहा गया, और जो कि नया एक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के रूप में हमें देखने को मिला भी है। आज हम उस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को समझने की कोशिश भी करेंगे। ठीक है, सो वही चीज, टू कंसीडर द प्रपोजल्स ऑफ द कमीशन द ब्रिटिश गवर्नमेंट कन्वीन्ड 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज ऑन द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश इंडिया एंड इंडियन प्रिंसली स्टेट्स। ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश इंडिया, इंडियन प्रिंसली स्टेट्स, राइट, इन तीन पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव्स वहां पर मौजूद थे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज में, और वहां पर जो है वो फैसला लिया गया क्या, किस चीज का, कि भारत के लिए किस तरह का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाएगा, क्या कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस लाए जाएंगे, किसके बेसिस पे, साइमन कमीशन द्वारा दी गई रिपोर्ट के बेसिस पे। और साइमन कमीशन आएगा, ये किसमें लिखा था, नॉट साइमन कमीशन बट अ स्टैचुटरी कमीशन आएगा जिसके बेसिस पे अगले जो है वो रिफॉर्म्स लाए जाएंगे, ये लिखा था 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में, राइट। सो ऑन द बेसिस ऑफ दीज डिस्कशंस अ वाइट पेपर ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स वॉज प्रिपेयर्ड एंड सबमिटेड फॉर द कंसिडरेशन फॉर द ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट, राइट। जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई उसमें जो फैसला हुआ तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, उस पर एक वाइट पेपर ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स, कहने का मतलब एक विधायक के रूप में आप मान सकते हैं, एक बिल है, राइट, या एक रेजोल्यूशन है जो कि अब किस में गया, प्रेजेंट डे के हिसाब से बोल रहा हूं मैं, राइट, एक रेजोल्यूशन है जो किस में एंटर हुआ अब ब्रिटिश पार्लियामेंट में, और अब उसकी एक ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी उस रेजोल्यूशन को एनालाइज करेगी, और फिर उसकी रिपोर्ट पे जो है वो फिर वोटिंग होगी पार्लियामेंट में, तब जाकर वो एक्ट बनेगा। ठीक है, काफी कंफ्यूजिंग है, मैं आपको धीरे धीरे ये सारी चीजें आगे एक्सप्लेन करूंगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, द रिकमेंडेशंस ऑफ दिस कमिटी वाज इनकॉर्पोरेटेड, यानी कि चेंज लाया गया इन द नेक्स्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये रिकमेंडेशंस के बेसिस पे 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लाया गया। ठीक है, नेक्स्ट चीज अब हम पढ़ते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 क्या है। पहला पॉइंट देखिएगा, द एक्ट with 451 clauses and 15 schedules contemplated the establishment of All India Federation in which governors provinces and chief commissioners provinces and those Indian states which might accede to be united were to be included। ठीक है, द रूलर ऑफ ईच प्रिंसली स्टेट विलिंग टू ज्वाइन वॉज टू साइन एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन मेंशनिंग द एक्सटेंट टू विच अथॉरिटी वॉज टू बी सरेंडर्ड टू द फेडरल गवर्नमेंट। सो बेसिकली क्या है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, फेडरल गवर्नमेंट लेकर आया, 1919 में डायरकियल सिस्टम लेकर आया, 1909 में सेपरेट क्या लेकर आया, इलेक्टोरेट लेके आया, 1892 में याद करना है आपको सबके सबके जो है वो एक जो बेसिक फीचर है ये याद रखना है, उसके बाद जो अन्य पॉइंट्स हैं उनको हम ऐड करेंगे, लेकिन जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है आपको याद रखनी है 1858 से लेकर उसके बाद 1861, 1892, 1909, 1919,
अब नाउ 1935, 1935 का क्या कैरेक्टरिस्टिक है यहां पर, फेडरेशन, फेडरल गवर्नमेंट लेकर आ रहे हैं ये। फेडरल गवर्नमेंट का मतलब क्या है कि ऊपर वायसराय बैठा है, ठीक है, वो तो सेंटर है। फेडरेशन किससे चलती है, स्टेट्स होते हैं ना। फेडरेशन में क्या होता है कि सेंटर तो है ही अलग, स्टेट के अलग है, स्टेट की शक्तियां अलग है। तो स्टेट किस किस तरह की है, तो सबसे पहले तो है गवर्नर्स द्वारा मैनेज्ड या गवर्नर्स द्वारा एडमिनिस्टर्ड जो प्रोविंसेस हैं, तो गवर्नर के प्रोविंस। दूसरी तरह के किस तरह की पॉलिटिकल रीजन है, जो चीफ कमिश्नर द्वारा जो एडमिनिस्टर्ड रीजन है, तो चीफ कमिश्नर का प्रोविंस। और तीसरे तरह के जो भारतीय शासकों द्वारा एडमिनिस्टर्ड जो रीजन है, तो इंडियन प्रिंसली। ये तीन तरह के पॉलिटिकल रीजन्स हैं। इन तीनों पॉलिटिकल रीजन्स को बोला गया कि आपको जो है वो आपकी सहमति है, आप ऐड होना चाहते हैं भारतीय फेडरेशन में या नहीं, राइट। सो जो गवर्नर्स प्रोविंस है वो तो ऑब्वियसली अंग्रेजों का है, ऐड होगा ही। जो चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस है ऑब्वियसली अंग्रेजों का है, ऐड होगा ही। लेकिन जो इंडियन प्रिंसलीज है वो भारतीय शासकों की है, उनको ऑप्शन दिया गया कि अगर आप इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन करते हैं तो आप भारत की फेडरेशन का हिस्सा हो जाएंगे, कुछ पावर्स हम आपको दे देंगे, मुख्यतः पावर जो ब्रॉड पावर्स हैं फाइनेंस की, डिफेंस की, राइट, वो सारी चीजें हम अपने हाथ में रखेंगे, कम्युनिकेशन वगैरह की पावर वो हम अपने हाथ में रखेंगे, दिस इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। इसी कुछ पैटर्न को भारतीय कंस्टिट्यूएंट असेंबली ने भी फॉलो किया, आगे आने वाले सेशंस में मैं आपको समझाऊंगा। सो दिस वाज द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, डायरकी रिजेक्टेड बाय साइमन कमीशन वाज प्रोवाइडेड फॉर इन द फेडरल एग्जीक्यूटिव। डायरकी वाले सिस्टम को हटा दिया गया, सो डायरकी वाज अबॉलिश्ड। डायरकी इंट्रोड्यूस किसमें हुई थी, 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में। डायरकी हटी किसमें, 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में। 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में आया क्या है, फेडरल गवर्नमेंट, ठीक है। इस तरह आपको याद रखने सारे पॉइंट ये। नेक्स्ट पॉइंट, द फेडरल लेजिस्लेचर वॉज टू हैव टू चैम्बर्स। जो फेडरल लेजिस्लेचर है वो भी दो चैम्बर का होगा, काउंसिल ऑफ स्टेट और फेडरल लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। तो फेडरल लेजिस्लेटर जो सेंट्रल लेजिस्लेचर है उसी को फेडरल लेजिस्लेचर कहा गया। अब उसके लिए टर्म जो है वो फेडरल आ गया, क्यों, क्योंकि स्टेट को अब अलग से शक्तियां मिलने जा रही थी, राइट। फेडरल है सो दैट मींस फेडरेशन है, दैट मींस राज्य को अलग शक्तियां होंगी, ठीक है, केंद्र की अलग शक्तियां होंगी, और दोनों एक दूसरे के मामले में बोल नहीं सकते, ठीक है, दैट्स द फेडरेशन। सो फेडरल लेजिस्लेचर वॉज टू हैव टू चैम्बर, उसमें फेडरल लेजिस्लेचर भी बाइकैमरल होने जा रहा था, काउंसिल ऑफ स्टेट एंड फेडरल लेजिस्लेटिव असेंबली। काउंसिल ऑफ स्टेट्स या अपर हाउस वॉज टू बी परमानेंट बॉडी। अब काउंसिल ऑफ स्टेट या अपर हाउस परमानेंट होता है, भारत में भी राज्यसभा परमानेंट है, राइट। सो ये कैसे है, ये कहां से लिया गया, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में अभी बहुत सारे प्रावधान ऐसे आएंगे जिसमें आप देख पाएंगे कि यही तो भारतीय संविधान में भी कंटिन्यूड है, या उससे पहले हमने अभी तो जितने भी पॉइंट पढ़े उसमें काफी सारी चीजें हमने ऐसी डिस्कवर करी हैं जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूडेड है। दैट मींस क्या कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो स्केलेटन है वो अंग्रेजों द्वारा बनाए गए ये सब एक्ट ही हैं। इन्हीं एक्ट से हमने जो है वो बेसिक फंडे उठाए, और फिर उसके अलावा बहुत सारे अलग अलग देशों के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने जो जो चीजें भारतीयों के लिए बेहतर लगी हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को, उनको लिया उन्होंने, राइट। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मैं आपको समझाऊंगा कैसे हुई वो सब चीजें। खैर, काउंसिल ऑफ स्टेट जो अपर हाउस है वो परमानेंट बॉडी है। नेक्स्ट पॉइंट, देयर वाज अ प्रोविजन ऑफ जॉइंट सिटिंग। जॉइंट सिटिंग का प्रोविजन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जॉइंट सिटिंग का प्रोविजन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी है, राइट। इन केस ऑफ डेडलॉक बिटवीन द हाउसेस देयर वर टू बी थ्री सब्जेक्ट लिस्ट, तीन सब्जेक्ट लिस्ट होंगी। ये भी किसमें है, इंडियन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। ये कहां से लिया गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, द फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव लिस्ट और कॉन्करेंट लेजिस्लेटिव लिस्ट, ठीक है। तो ये सवाल बनते हैं कि ये पॉइंट कहां से उठाया गया है, जॉइंट सिटिंग का फंडा कहां से उठाया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो आप बोलेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से उठाया गया है। दीज ऑल पॉइंट्स आर डायरेक्ट क्वेश्चंस, राइट। इसमें फैक्चुअल डेटा भी है और कॉन्सेप्ट तो मैं समझा ही रहा हूं, तो फैक्चुअल और कॉन्सेप्चुअल दोनों तरह के सवाल जो है वो क्रिएट करते जाइए। थॉरली आप मेरे सेशंस को देखिए और जो पॉइंट्स हैं इनको बहुत ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप नोट्स चाहें तो ये बना सकते हैं, अगर नहीं चाहते इन नोट्स को आप नोट डाउन करना, तो मैंने आपको क्या बोला है, एनसीईआरटी को खोलिए, एनसीईआरटी से पढ़ना शुरू कीजिए, नई और पुरानी दोनों, राइट। हो सकता है कि पुरानी जो है वो आपको लगे कि बहुत
इररिलेवेंट है, लेकिन वो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए बेहतर है, और नई में से आपको जो फ्रेश डेटा है, जो फ्रेश फैक्ट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे, जो अमेंडेड फैक्ट्स हैं। प्लस सबाल्टर्न अप्रोच मैंने आपको बताई थी, नई एनसीईआरटी में है और कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पुरानी एनसीईआरटी में, दोनों को जोड़कर पढ़ना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट चीज, देयर वॉज अ प्रोविजन फॉर ज्वाइंट सिटिंग्स इन केस ऑफ डेडलॉक बिटवीन द हाउसेस। कौन कौन से हाउस हैं? बाइकैमरल है ना, काउंसिल ऑफ स्टेट और फेडरल लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। देयर वर टू बी थ्री सब्जेक्ट लिस्ट, द फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव लिस्ट एंड कंकरेंट लेजिस्लेटिव लिस्ट। फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट का क्या मतलब है? ऐसे मामले जिसपे केवल कौन जो है वो अपना फैसला ले सकता है, केवल केंद्र, फेडरल गवर्नमेंट। प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव लिस्ट ऐसे मामले जिसमें प्रोविंसेस जो है फैसले लेगा। तो ये बट गए ना, दो अलग अलग हो गए, ठीक है, इसी चीज को तो बोलते हैं फेडरेशन, ठीक है। और तीसरा कंकरेंट लिस्ट, जिसमें दोनों मिलके फैसले लेंगे। और चौथी आएगी आपकी रेजिडरी लेजिस्लेटिव पावर, जो बच जाएंगी, जो इन तीनों लिस्ट में नहीं आती। जो रेजिडरी लेजिस्लेटिव पावर है वो किसको मिलेगी? सब्जेक्ट टू द डिस्क्रेशन ऑफ गवर्नर जनरल, वॉइसरॉय के कंट्रोल में होंगी ये। इवन इफ अ बिल वॉज पास बाय फेडरल लेजिस्लेचर, द गवर्नर जनरल कुड वीटो इट, वाइल इवन एक्ट्स असेंटेड बाय द गवर्नर जनरल कुड बी डिसअलाउड बाय किंग इन काउंसिल, ठीक है। तो हायरार्की समझ रहे हैं आप? अगर जो फेडरल जो दो लेजिस्लेटिव असेंबली हैं, अगर वो कुछ एक्ट बनाती हैं, उसको रिजेक्ट कर सकता है कौन? गवर्नर जनरल। और अगर गवर्नर जनरल कोई फैसला लेता है, तो ब्रिटेन में जो काउंसिल में किंग बैठे हैं, ठीक है, वो भी क्या कर सकते हैं? उसको रिजेक्ट कर सकते हैं। दैट मींस क्राउन, क्राउन जो है वो सुपरसीड करता है, ट्रंप करता है क्राउन किसे? गवर्नर जनरल को, ठीक है। क्यों? क्योंकि गवर्नर जनरल शासन नहीं कर रहा है, शासन कर रहा है क्राउन। गवर्नर जनरल एम्प्लॉय है क्राउन का, यानी कि ब्रिटिश शासक, मोनार्क का। नेक्स्ट देखिए, इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहां पर ऐड किया गया? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 टू कंट्रोल करेंसी एंड क्रेडिट ऑफ कंट्री। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम, डायर्की इन द प्रोविंसेस वाज अबॉलिश्ड एंड प्रोविंसेस वर गिवन ऑटोनॉमी, दैट इज डिस्टिंक्शन बिटवीन रिजर्व्ड एंड ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स वाज अबॉलिश्ड एंड मतलब हटा दिया गया उनको, ठीक है। ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट और रिजर्व सब्जेक्ट हटा दिया गया और ऑटोनॉमी दे दी गई, राइट। तो फेडरेशन बनाने का मतलब क्या है? कि स्टेट को ऑटोनॉमी दी जाए ना, स्टेट अपने फैसले खुद ले सके, और डायर्की को अबॉलिश किया गया। ये पॉइंट आपको समझने हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के लिए, इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है। यही सवाल बनते हैं छोटे पेपर्स में, ठीक है। तो इन छोटे छोटे पॉइंट्स को आपको समझना है। नेक्स्ट चीज देखिएगा, प्रोविंसेस डेराइव्ड देयर पावर एंड अथॉरिटी डायरेक्टली फ्रॉम ब्रिटिश क्राउन, दे वर गिवन इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल पावर्स एंड रिसोर्सेस, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स कुड बोरो मनी ऑन देयर ओन सिक्योरिटी। देख रहे हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट को अब डायरेक्टली अथॉरिटी कहां से मिल रही है? ब्रिटिश क्राउन से। दैट मींस अब प्रोविंशियल जो गवर्नमेंट है उसको वॉयसराय का मुंह नहीं ताकना पड़ेगा, अब वो ब्रिटिश क्राउन का मुंह ताक सकते हैं। वहां से जो है वो अथॉरिटी, वहां से जो है वो फाइनेंशियल पावर जो है वो पा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चीज, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर वर फर्दर एक्सपेंडेड, ऑब्वियसली। बायकैमरल लेजिस्लेचर्स वर प्रोवाइडेड इन सिक्स प्रोविंसेस। नाउ जो बायकैमरल सिस्टम है वो 1919 में कहां आया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में बायकैमरल सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल और द इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल, या उसको इस तरह कहा जाए कि जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसको तोड़कर बायकैमरल कर दिया गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में भी बायकैमरलिज्म लाया गया, लेकिन सभी में नहीं, केवल 11 में से केवल 6 प्रोविंसेस थी अंग्रेजों की, उनमें से केवल 6 काउंसिल्स में, 6 लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को बायकैमरलाइज किया गया, जो कि 6 कौन कौन सी थी? मद्रास, बॉम्बे, बंगाल, यूनाइटेड प्रोविंस जो कि अब उत्तर प्रदेश है, बिहार और असम, ठीक है। तो आप देख सकते हैं आज के डेट में ये सबसे ज्यादा पॉपुलस एरिया हैं भी, ठीक है, विद अदर 5 प्रोविंसेस रिमेनिंग यूनिकैमरल, ठीक है, बाकी 5 जो है वो यूनिकैमरल रही, ठीक है, पंजाब नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर अलावा वो सब जो है वो यूनिकैमरल रही। द प्रिंसिपल्स ऑफ कॉम्युनल इलेक्टोरेट्स एंड वेटेज वर फर्दर एक्सटेंडेड टू डिप्रेस क्लासेस, वुमेन्स एंड लेबर। कॉम्युनल इलेक्टोरेट किस किस को दिया गया? डिप्रेस्ड क्लासेस को, वुमेन को और लेबर को। पहले किसके पास है? 1909 में किसको? मुस्लिम्स को।
1919 में किसको? सिखों को, एंग्लो इंडियंस को, क्रिश्चियंस को। 1935 में किसको? मुस्लिम्स को तो है ही, उसके अलावा महिलाओं को, दलितों को और लेबर्स को। देख रहे हैं आप, बांट दिया सिस्टम, वो बढ़ा रहे हैं शक्ति लेकिन बांट भी तो रहे हमारी सोसाइटी को। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे आप 1909, 1919 और 1935 में किस किस को जो है वो सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया है, इस पे सवाल बनता है। ठीक है, आपको तैयार रखने हैं पॉइंट्स ये। नेक्स्ट इज फ्रेंचाइज वाज एक्सटेंडेड विद अबाउट 10% टू टोटल पॉपुलेशन गेटिंग द राइट टू वोट। फ्रेंचाइज मैंने आपको बताया ना कि कौन लोग वोट दे सकते हैं, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज मैंने आपको बताया कि सभी वोट दे सकते हैं, सभी अडल्ट वोट दे सकते हैं इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर जेंडर, देयर रेस, देयर क्रीड, देयर कास्ट। ठीक है, लेकिन पहले नहीं था, पहले कौन देगा? जिसके पास ठीक ठाक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी के बेसिस पे जो टैक्स पे करता है, जिसके पास सर्टेन एजुकेशन है, वही जो है वो दे सकता है। दैट मींस जो लॉयलिस्ट वर्ग है, जो मध्यम वर्ग है, वही वोट दे सकता है। लेकिन अब उसको बढ़ाया गया, 10% ऑफ द पॉपुलेशन कर दिया गया। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा यहां पर फ्रेंचाइज एक्सटेंड की गई है, 10% की गई है, किसमें? 1935 में। नेक्स्ट पॉइंट, द एक्ट ऑल्सो प्रोवाइडेड फॉर अ फेडरल कोर्ट, एक फेडरल कोर्ट प्रोवाइड की गई जो कि 1937 में बनी, विद ओरिजिनल एंड एपेलेट पावर। मैंने आपको समझाया था पिछले सेशन में ओरिजिनल और एपेलेट पावर्स क्या होती हैं, टू इंटरप्रेट द 1935 एक्ट एंड सेटल इंटर स्टेट डिस्प्यूट्स, बट द प्रिवी काउंसिल इन लंडन वाज टू डोमिनेट दिस कोर्ट। मैंने आपको प्रिवी काउंसिल भी बताई थी क्या होता है। ठीक है, तो जिन जिन बच्चों ने मेरे प्रीवियस सेशंस देखे हैं उनको ये पॉइंट समझ आया होगा अभी। ठीक है, अगर आपने प्रीवियस सेशन नहीं देखा है तो मैं कहना चाहूंगा कि प्रीवियस सेशंस देखिए ताकि आप कनेक्ट करके चल सके, क्योंकि मैं हर बार हर टॉपिक को, हर बार हर छोटी से छोटी चीज में एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूं। मैं वैसे कोशिश करूंगा, ठीक है, कि अगर कोई चीज बहुत ज्यादा क्रूशियल होगी तो उसे एक्सप्लेन कर दूं, लेकिन बहुत सारे ऐसे टर्म्स हैं जिस जो धीरे धीरे कन्वर्जेंट हो जाएंगे इतिहास के। ठीक है, तो अगर आप पिछले सेशंस मेरे फॉलो कर रहे हैं तभी आपके लिए वो चीज रिलेटेबल रहेगी, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं। जो बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं या जो व्यक्ति नहीं पढ़ रहे हैं मेरे पिछले सेशंस को, उनको देखिए ताकि आपके लिए रिलेटेबल रहे ये टॉपिक। ठीक है, बहुत जरूरी है कनेक्ट करके चलना। देखिए, आप ये मत सोचिए कि कोई एक टॉपिक है, कोई स्पेसिफिक टाइम, आप इतिहास को स्पेसिफिक टाइम बैंड में बांट देंगे और सारे फैक्ट्स रट लेंगे। फैक्ट रटोगे ना अगर आप, तो आप फैक्ट के बेसिस पे जो पेपर होते हैं, राइट, जो क्लरिकल लेवल के पेपर होंगे या जो ग्रुप सी ग्रुप बी के जो पेपर होते हैं, केवल आप उनको दे सकोगे। कोई बुराई नहीं है उसमें फैक्ट रटने में, राइट, मैं ये नहीं कह रहा कि फैक्ट रटने में कोई बुराई है, लेकिन अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल के पेपर देना चाहते हैं, ग्रुप ए के लेवल के पेपर देना चाहते हैं या ग्रुप बी का मेंस देना चाहते हैं किसी भी राज्य या केंद्र के एग्जामिनेशंस का, आपको कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करनी पड़ेगी। वहां पर यही तो डिमांड है, फैक्ट तो वो चेक कर ही लेते हैं आपके, लेकिन कॉन्सेप्ट देखना चाहते हैं आपके डेवलप हैं या नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। फेडरल कोर्ट आ गई, उसके बाद द इंडियन काउंसिल ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वाज अबॉलिश्ड। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट तो है लेकिन उसकी जो काउंसिल थी, मैंने बोला था ना सेक्रेटरी ऑफ स्टेट काउंसिल, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और उसकी 15 मेंबर की काउंसिल बनेगी लंदन में जो बैठेगी, उस 15 मेंबर की काउंसिल को अबॉलिश कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट of not only Federal Public Service Commission but also Provincial Public Service Commission and Joint Public Service Commission for two or more provinces. ठीक है, तो Joint Public Service Commission और जो State Public Service Commission है वो कब बने हैं आपके? Government of India Act 1935 में। तो ये सारे points included है Government of India Act 1935। अब अंत में देखते हैं, आइए Indian Independence Act 1947 क्या बोलता है। ठीक है, On February 20, 1947, the British Prime Minister Clement Attlee declared that the British rule in India would end by June 30, 1948, after which the power would be transferred to responsible Indian hands. Right? So, as the statement suggests, Clement Attlee, Labour Party ke President, British Parliament mein, ठीक है, उन्होंने 20 फरवरी को 1947 को यह ऐलान किया कि जून में हम भारतीयों को आजादी दे देंगे और जो जो अभी इंटरिम गवर्नमेंट बन गई है, ठीक है, उसको जो है वो स्थानांतरित कर दी जाएगी शक्ति। वो इंटरिम गवर्नमेंट कैसे बनी, वो सारी चीजें आने वाले टॉपिक्स में आपको मैं समझाऊंगा। ठीक है,
ऑन जून 3rd 1947 द ब्रिटिश गवर्नमेंट मेड इट क्लियर दैट एनी कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम्ड बाय कंस्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया दैट इज फॉर्म्ड इन 1946 कैन नॉट अप्लाई टू दोज पार्ट्स ऑफ कंट्री विच वर अनविलिंग टू एक्सेप्ट इट. दैट मीन्स जो संविधान बनाने का काम कर रही है हमारी संविधान सभा, उसको अगर भारतीय कोई प्रिंसली स्टेट नहीं मानना चाहता हो तो उस पर फोर्स नहीं किया जा सकता. ठीक है, अगर वो नहीं मानना चाहता है तो वो नहीं होगा ऐड. उसके अलावा उसी सेम तारीख को 3 जून 1947 को उस समय के वॉयसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने एक स्टेटमेंट दी जिसमें उन्होंने बोला कि भारत और पाकिस्तान का पार्टीशन कर दिया जाएगा, जिसको कहा गया माउंटबेटन प्लान. ठीक है, और अब देखते हैं इस एक्ट के फीचर्स क्या क्या हैं. पहला पॉइंट है, इट एंडेड द ब्रिटिश रूल इन इंडिया. ऑब्वियसली भारत में ब्रिटिश रूल एंड कर दिया इसने. ठीक है, क्यों? क्योंकि ये एक्ट जो है वो इस एक्ट के बारे में अनाउंसमेंट जो है वो भले ही फरवरी में हो गई हो, लेकिन ये एक्ट जो है वो लागू हुआ है 15 अगस्त 1947 को भारत में, 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान में. ठीक है, तो इट एंडेड ब्रिटिश रूल इन इंडिया एंड डिक्लेयर्ड इंडिया एज एन इंडिपेंडेंट एंड सोवरेन स्टेट फ्रॉम 15 अगस्त 1947. इट प्रोवाइडेड फॉर द पार्टीशन ऑफ इंडिया, इसमें पार्टीशन ऑफ इंडिया की जानकारी भी है, एंड क्रिएशन ऑफ टू इंडिपेंडेंट डोमिनियंस ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान विद द राइट टू सेसीड फ्रॉम द ब्रिटिश कॉमनवेल्थ. ठीक है, ब्रिटिश कॉमनवेल्थ का हिस्सा जो है वो एज अ डोमिनियन के रूप में रहेंगे, अब वो एज अ कॉलोनी के रूप में नहीं है. नेक्स्ट चीज, इट अबॉलिश द ऑफिस ऑफ वॉयसराय, का ऑफिस जो है वो खत्म कर दिया गया, एंड प्रोवाइडेड फॉर इंग्लिश डोमिनियन अ गवर्नर जनरल. वॉयसराय का ऑफिस खत्म कर दिया गया क्योंकि मैंने आपको बोला ना, वॉयसराय किसका है? ब्रिटिश क्राउन का है. गवर्नर जनरल जो है वो किसी काउंसिल का भी हो सकता है, राइट? सो गवर्नर जनरल जो है वो अपॉइंट किया गया उसकी जगह, अपॉइंटेड बाय ब्रिटिश किंग ऑन द एडवाइस ऑफ डोमिनियन कैबिनेट. डोमिनियन कैबिनेट कौन है, ध्यान से देखिएगा, डोमिनियन कैबिनेट कौन है यहां पे? जो हमारी काउंसिल, जो हमारी संविधान सभा है, ठीक है, वही है. तो डोमिनियन कैबिनेट काम किया उसने, और उन्होंने सी राजगोपालाचारी को नॉमिनेट किया था, उसी को फिर अपॉइंट किया माउंटबेटन के जाने के बाद गवर्नर जनरल. जब तक 1950 तक हमारा संविधान बनकर तैयार नहीं हो गया और फिर इलेक्शन नहीं हुए, फिर इलेक्शन के बाद जो है वो एक स्थायी तौर पर प्रधानमंत्री नहीं बना भारत का, तब तक गवर्नर जनरल रहा. वायसराय हट गया, गवर्नर जनरल रहा कौन रहे गवर्नर जनरल? सी राजगोपालाचारी. ठीक है, लेकिन अभी माउंटबेटन ही है, कुछ समय तक माउंटबेटन रहे 15 अगस्त 1947 के बाद, उसके बाद सी राजगोपालाचारी ने ऑफिस संभाला. हिज मैजेस्टीज गवर्नमेंट इन ब्रिटेन वाज टू हैव नो रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट? अंग्रेजों की गवर्नमेंट का भारत और पाकिस्तान की गवर्नमेंट में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये इसी का मतलब है आजादी. नेक्स्ट चीज, इट एम्पावर्ड द कंस्टिट्यूएंट असेंबलीज ऑफ द टू डोमिनियंस टू फ्रेम एंड अडॉप्ट एनी कॉन्स्टिट्यूशन फॉर देयर रिस्पेक्टिव नेशंस एंड टू रिपील एनी एक्ट ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट इंक्लूडिंग द इंडिपेंडेंस एक्ट इटसेल्फ. ठीक है, कहने का मतलब यह है कि कंस्टिट्यूएंट असेंबलीज को दोनों देशों की शक्ति दे दी गई कि आप अपना अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद बनाइए. नेक्स्ट पॉइंट, इट एम्पावर्ड द कंस्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ बोथ डोमिनियंस टू लेजिस्लेट फॉर देयर रिस्पेक्टिव टेरिटरीज टिल द न्यू constitutions were drafted and enforced. तो जो constituent assembly है उसको बोला गया कि आप ही शासन करेंगे. तो जो constituent assembly है उसके जो head थे राजेंद्र प्रसाद, उन्हीं ने ही act किया as a जो भारत के dominion के head के तौर पे. ठीक है, राजेंद्र प्रसाद, और वही फिर बाद में president भी बने. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, नो एक्ट ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट पास्ड आफ्टर 15 अगस्त 1947 वाज टू एक्सटेंड टू ईदर ऑफ द न्यू डोमिनियंस. ऑब्वियसली आजादी मिल गई, दैट मींस अंग्रेजों द्वारा पास किया गया अब कोई भी एक्ट भारत पर लागू नहीं होगा. इट अबॉलिश द ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट. अब भारत से डोमिनियन हट गया तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का ऑफिस हट गया फॉर इंडिया एंड ट्रांसफर्ड हिज फंक्शंस टू सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर कॉमनवेल्थ अफेयर्स. ठीक है, भारत से हट गया, अब कॉमनवेल्थ अफेयर्स के लिए जो है वो रह गया केवल सेक्रेटरी ऑफ स्टेट. नेक्स्ट इज, इट प्रोक्लेम्ड द लैप्स ऑफ ब्रिटिश पैरामाउंसी. ब्रिटिश पैरामाउंसी भारत पर जो है वो खत्म हो गई ओवर इंडियन प्रिंसली स्टेट्स एंड ट्रीटी रिलेशंस विद ट्राइबल एरियाज फ्रॉम अगस्त 15, 1947. यहां पर आपको पॉलिटिकल स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा, कौन कौन है. गवर्नर्स प्रोविंस है, चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस है, प्रिंसली स्टेट्स है, ट्राइबल एरिया है. ये चार तरह के क्या है, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है. गवर्नर प्रोविंस अंग्रेजों का, चीफ कमिश्नर प्रोविंस अंग्रेजों का, जो प्रिंसली स्टेट है सब्सिडरी अलायंस,
और जो ट्रीटीज हैं, जो ट्राइबल लोग हैं उनके साथ क्या हैं, ट्रीटीज हैं। तो ये सारी जितनी भी अरेंजमेंट थी ये सब खत्म हो गई अंग्रेजों की आफ्टर 15 अगस्त 1947। इट ग्रांटेड फ्रीडम, नेक्स्ट पॉइंट, इट ग्रांटेड फ्रीडम टू इंडियन प्रिंसली स्टेट्स ईदर टू ज्वाइन डोमिनियन ऑफ इंडिया और डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान और टू रिमेन इंडिपेंडेंट। प्रिंसली स्टेट्स जो कि 500 से प्लस थे, 570 से प्लस, उनको बोला गया या तो भारत ज्वाइन कर लो या तो पाकिस्तान ज्वाइन कर लो, या तो आजाद हो जाओ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, इट प्रोवाइडेड फॉर द गवर्नेंस ऑफ ईच ऑफ द डोमिनियंस एंड द प्रोविंस बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 टिल द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वर फ्रेम्ड, द डोमिनियंस वर हाउएवर ऑथराइज्ड टू मेक मॉडिफिकेशन इन द एक्ट। बहुत सिंपल सी बात है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को अगर आप फॉलो करना चाहते हैं तो कर लो, अदरवाइज उसमें चेंज करना चाहते हैं तो आप कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में लिखा हुआ पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट, इट डिप्राइव्ड द ब्रिटिश मोनार्क ऑफ हिज राइट्स टू वीटो बिल्स और आस्क फॉर रिजर्वेशन ऑफ सर्टेन बिल्स ऑफ हिज अप्रूवल, बट द राइट वॉज रिजर्व्ड फॉर द गवर्नर जनरल। द गवर्नर जनरल वुड हैव फुल पावर टू असेंट टू एनी बिल इन द नेम ऑफ हिज मेजेस्टी। दैट मीन्स ब्रिटिश मोनार्क अब कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जो गवर्नर जनरल है सी राजगोपालाचारी है, अगर वो चाहे तो बोल सकते हैं कि ऐसा मत करो, ये मैजेस्टी के नाम पे वो बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब भारत का रिपब्लिक डे हम क्यों मनाते हैं, रिपब्लिक डे मनाने का मतलब क्या है कि भारत पूर्णतः, भारत को इंडिपेंडेंस भले ही 15 अगस्त 1947 को मिली हो, लेकिन 26 जनवरी 1950 तक भारत रहा अंग्रेजों की कॉमनवेल्थ का एक डोमिनियन, डोमिनियन स्टेटस था, राइट। दैट मीन्स कौन बैठा है यहां पर, गवर्नर जनरल। आजाद होने के बाद 1947 में, आजाद होने के बाद 1950 में जब संविधान लागू हुआ है, तब जाके भारत क्या बना है, एक रिपब्लिक बना है। तब तक क्या था भारत, भारत का एक एज अ पॉलिटिकल एंटिटी इंडिया का क्या था नाम, एक डोमिनियन है। ठीक है, दैट मींस जो इंपीरियल सील है वो अंग्रेजों की थी। इट ड्रॉप द टाइटल ऑफ एम्परर ऑफ, हाँ, एम्परर ऑफ इंडिया का टाइटल जो है वो किंग ऑफ इंग्लैंड के टाइटल से हट गया। किंग ऑफ इंग्लैंड का जब नाम लिया जाता है किसी सभा में तो वहां बोला जाता था कि ये एम्परर ऑफ इंडिया है। ठीक है, अब वो बोलना बंद कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, इट डिसकंटिन्यूड द अपॉइंटमेंट टू सिविल सर्विसेज एंड रिजर्वेशन ऑफ पोस्ट बाय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया द मेंबर्स ऑफ सिविल सर्विसेज अपॉइंटेड बिफोर अगस्त 15, 1947 वुड कंटिन्यू टू एंजॉय ऑल बेनिफिट्स दैट दे वर एंटाइटल्ड टू टिल दैट टाइम। ठीक है, तो बहुत सिंपल सी बात है, जब तक संविधान लागू नहीं हो जाता तब तक जो सिविल सर्वेंट्स अपॉइंट कर दिए गए हैं वो जो है वो उनको अमोल्यूमेंट्स मिलते रहेंगे, लेकिन नए नहीं अपॉइंट कर सकता कौन, ब्रिटिश क्राउन। तो बेसिक फंडा ये है 1947 के एक्ट का कि जो ब्रिटिश क्राउन जो पहले कर रहा था गतिविधियां वो भारत में अब नहीं कर सकता। ठीक है, तो मैंने इन सारे पॉइंट्स के माध्यम से केवल ये समझाने की कोशिश करी है कि क्या क्या गतिविधियां कर रहा है ब्रिटिश क्राउन, यानी किनको अपॉइंट कर रहा है, क्या क्या उसके पॉलिटिकल ज्यूरिडिक्शंस हैं और जो कि हट गई। ठीक है, तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा 1858 से लेकर 1947 तक। ठीक है, ये जो मेजर हमने मेजर पढ़े हैं, हमने बीच में बहुत सारे छोटे छोटे और जो हैं वो एक्ट हैं, उनको हम धीरे धीरे करके मर्ज करेंगे, एक साथ में सारी चीजें नहीं करा सकता। आज मैंने केवल आपको बैकग्राउंड, केवल एक बेसिक, मैंने आपको बोला ना फाउंडेशन कोर्स है ये, मैं एक आपको बेसिक क्रिएट कर रहा हूं, फिर हम धीरे धीरे उसमें ऐड करेंगे एडवांस कोर्स में। ठीक है, तो अभी फाउंडेशन कोर्स है, फाउंडेशन क्रिएट कीजिए पहले, एडवांस कोर्स में मैं आपको ये बीच की जो बारीकियां हैं वो सारी बारीकियां ऐड करके दूंगा। ठीक है, तो आज का हमारा सेशन यहां पर कंक्लूड होता है विद ऑल दीज, ये जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट की गई हैं। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा, आप सभी को समराइज कर सकते हैं। ठीक है, समरी प्रिपेयर करना बहुत जरूरी है, मैंने आपको बोला था ना इंट्रोडक्शन बॉडी और कंक्लूजन, कंक्लूजन प्रिपेयर करना आना चाहिए, किसी टॉपिक को इंट्रोड्यूस करना आना चाहिए और किसी टॉपिक की पूरी बॉडी आपको पता होनी चाहिए, राइट। उस बॉडी में क्या क्या फिल करना है, वो 6 पैरामीटर्स मैंने आपको बताए थे, अगर नहीं देखा है तो हाउ टू प्रिपेयर हिस्ट्री वाला सेशन आप जरूर जाके देखिए। ठीक है, आपको समझ आएगा कि हिस्ट्री को कैसे प्रिपेयर किया जाता है। तो आज के सेशन में केवल इतना ही, अंत में मैं बोलना चाहूंगा सिविल सर्विसेज एस्पायरेंट्स के लिए कि अगर वो चाहते हैं कि अगर वो एक थॉरो तरीके से सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर करें तो स्टडी आईक्यू की एप्लीकेशन को वो जरूर जाकर इंस्टॉल कीजिए, लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, और बहुत बेहतरीन उसमें जो है वो
सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस के मेंस के लिए बहुत बेहतरीन वीडियोस हैं, डेली के करंट अफेयर, डेली के क्विजेज, डेली के डाउट सॉल्विंग, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस, पूरा का पूरा पैकेज आपको वहां अवेलेबल है। सो मेक श्योर यू चेक दैट आउट, द डिस्क्रिप्शन इज द लिंक इज राइट देयर इन द डिस्क्रिप्शन, राइट। सो आज के लिए केवल इतना ही, मेरा नाम है विशाल चौहान, मैं मिलूंगा आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर।